हमें ब्लड प्रेशर का पता लग जाता है, हार्ट से रिलेटेड पता लग जाता है, और भी वेरी इंपॉर्टेंट इज कैंसर. जब आप अपनी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमास रिलीज नहीं कर रहे हो तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक जगह वो इमोशन स्टक हो जाते हैं और वो वहीं और ज़्यादा एक्सपैंड होते रहते हैं, जो इन फ्यूचर आपका कैंसर का रूप ले लेते हैं. हीलिंग से ज़्यादा अगर मैं उनकी हैंडराइटिंग एनालाइज करती थी और मैं सिर्फ एक प्रश्न उनसे करती थी कि लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आप शेयर करना चाहोगे, सिर्फ ये इतना सा सवाल, एंड आई से आई विल नॉट जज यू, डोंट वरी, सिर्फ इतना स्टेटमेंट ही बोलना किसी के लिए, क्योंकि सामने वाला क्या आपके पास लोग नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन हम कतराते क्यों हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो जज करेगा. अच्छा तू इस एज में, तू उस एज में, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, वी विल गेट सो मच ऑफ जजमेंट. तो कई बार सिर्फ ये प्रश्न ही किसी को बोल पूछना या सिर्फ ये कहना कि आई विल नॉट जज यू, कैन शेयर क्या चल रहा है लाइफ में, वो उसमें जो आपसे ओपन अप होगा. तो मेरी जर्नी में जब भी मैंने उनके सैम्पल्स देखे हैं, राइटिंग देखी है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कुछ है लाइफ में जो आप शेयर करना चाहोगे, आई विल नॉट जज यू. पीपल हैव क्राइड फॉर अस कि किसी ने कभी ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा. गुड पार्ट इज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी सिग्नेचर दैट यू सी विच इज अवेलेबल इज नॉट इवन रियल. तो अगर वो ऑटोग्राफ भी देते हैं तो डेफिनेटली आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द ऑटोग्राफ दैट यू सी आर नॉट एक्चुअली रियल सिग्नेचर. यहाँ पर ना मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, लाइक जस्ट अ सेक, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था अभी मेरे दिमाग में. हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विकास, आप बताएं. मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ पॉडकास्ट में ही, लाइक एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा हम हॉरर कैटेगरी तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट मैंने कहीं पर नहीं देखा, किसी से नहीं सुना कि यार आप अपनी हैंड राइटिंग में ये चीज़ें चेंज कर दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी. बिल्कुल, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, लोग आपकी राइटिंग से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अभी. तो मैम मुझे सबसे पहले बताओ ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, क्या कहते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस? बिल्कुल, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है मैम? हैंडराइटिंग एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस एक ऐसी फील्ड है जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों के ग्रह पढ़ते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ग्रह उनको समझ में आते हैं, उसी तरीके से हैंडराइटिंग एनालिसिस में आप किस तरीके से लिखते हैं, क्या आपके पैटर्न्स हैं, कितना आप राइटिंग में प्रेशर डाल रहे हो, स्पेसिंग कितनी है, आपकी अल्फ़ाबेट बनाने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें देखकर हम किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में, उनके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उनके क्या फियर्स हैं, क्या उनका पॉजिटिव यू नो एटीट्यूड रहता है, लाइफ को किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो सब आपकी राइटिंग से पता चलते हैं. तो ये है एक्चुअली हैंडराइटिंग एनालिसिस, जहाँ पे हम आपकी राइटिंग को किस तरीके से आप लिखते हैं उसको स्टडी करते हैं. राइट मैम, सो बेसिकली ये पूरी एक सेपरेट साइंस है. बिल्कुल. ओके, तो साइंस तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक टॉपिक हो सकता है जिसको हम इस पूरे एक पॉडकास्ट में तो हम जिसको समझ ही नहीं सकते हैं. तो कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं मेरे जिसको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा. लाइक मैं हमेशा से सोचता हूँ, मैं ना CID बहुत देखता हूँ, CID क्राइम पेट्रोल ये सब, तो उसमें ना एक डिपार्टमेंट होता है फोरेंसिक. तो फोरेंसिक में ना कई बार ऐसे केसेस आते हैं लाइक किसी का सिग्नेचर हो गया या फिर किसी का सुसाइड नोट हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. तो वो लोग ना उनको एनालाइज करते हैं या फिर मैच करते हैं. तो क्या ये सब चीज़ें भी आपको पता है या फिर आपने पढ़ाई की है? हाँ, तो हमारे पास भी बहुत सारे सुसाइड नोट्स आते हैं. अगर एक किसी ने सुसाइड किया है विकास, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो उस क्षण में उनका जो मेंटल स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगा. तो कई ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें लोगों ने ये यू नो क्लेम किया है कि वो सुसाइड नोट है, बट उनकी वैसे जब राइटिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी. तो सुसाइड नोट में कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी होती जिससे आपको पता लग जाता है कि नहीं, ये पर्सन एक्चुअली में बहुत ही यू नो नेगेटिव माइंडसेट में था, बहुत ही लो स्टेट ऑफ माइंड में था जब उसने ये लिखा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ हेटेड में था,
सुसाइड कौन करता है? जो बहुत ज़्यादा अपने आप को नापसंद कर रहा है। जो अपने आप को पसंद करेगा वो कभी अपने आप को हार्म करने की सोचेगा, जो किसी चीज़ को लेके मे बी गिल्टी फील हो रहा है, सेल्फ हेटेड हो गया, गिल्ट हो गया, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। ये सारी चीज़ें जब आपको राइटिंग में देखती तो आपको पता लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड। और फोर्जरी के सिग्नेचर के काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास। फोर्जरी क्या होते हैं? फोर्जरी इज़ लाइक अगर आपने एक सिग्नेचर किया है, मैंने वो सिग्नेचर कॉपी किया है या आपका सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश की है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्जरी, कि जहाँ पे हम एक्चुअली फोर्ज कर रहे हैं आपका सिग्नेचर या फोर्ज कर रहे हैं आपकी हैंडराइटिंग। तो उसमें हम आगे आगे जैसे पॉडकास्ट में बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सिग्नेचर, जब भी ऐसा कोई फोर्जरी केस आता है बहुत आसानी से पता लग जाता है कि वेदर वो ओरिजिनल सिग्नेचर है कि नहीं या किसी ने फोर्ज करने की कोशिश की है। तो कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि नहीं ये सिग्नेचर फोर्ज है कि नहीं। राइट मैम, तो इस पर भी आएंगे। इससे पहले मैं अपने इसी टॉपिक पर थोड़ा स्टक रहना चाहूँगा कुछ देर के लिए। लाइक हम बात कर रहे थे सुसाइड नोट्स के बारे में। अब एक चीज़ हमेशा होती है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो होगा कुछ और, उसको दिखाया जाएगा कि ये सुसाइड है। तो आई थिंक हमें पता लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस हो गया और वहाँ पर किसी ने भी मर्डर किया, उसको सुसाइड दिखाने के लिए ना एक सुसाइड नोट खुद की राइटिंग में कैसे करके लिख दिया, तो हम वहाँ से पता लगा सकते कि सुसाइड नोट असली है नकली। बिल्कुल, मतलब बिना जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी राइटिंग देखे बिना ही पता लग जाए। बिना भी पता लग सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब कोई एक एक जो इंसान है जो ये सोच रहा है कि मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, जब वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में होगा, जो वो लिखेगा उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग होगी। उसमें बहुत सारे हमें नेगेटिव ट्रेट्स दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ हेटेड दिखेगा, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एक्सेप्टेंस दिखेगा, लो फीलिंग होगी, डिप्रेशन में दिखेगा। लेकिन एक कोई साधारण व्यक्ति जो उस पर इल्ज़ाम लगाना चाहता है, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, वो जब लिखेगा तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से लिखेगा, अपने माइंडसेट से लिखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। और हैंडराइटिंग की बहुत ही एक खूबी है कि हैंडराइटिंग नेवर लाइज, ये हम बोलते हैं कि अगर आप कोशिश भी करो कि आपकी राइटिंग आप बना के भी कोशिश कर लो लिखने की, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वही पेपर पे आएगा, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो जो आपका माइंडसेट है वही राइटिंग आप लिखा, आप यू नो यू कैन मेक एन अटेम्प्ट कि आप उसको शायद थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट ओवरऑल जब आपकी राइटिंग लिखी जाएगी तो आपका ओरिजिनल माइंडसेट, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपका जो ब्रेन पैटर्न है वही सामने आएगा। तो यानी कि हम इस चीज़ को फेक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राइट मैम, सो मैम क्या कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर मैं कहूँगा क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिससे आप लोग जज करते हो किसी को, या फिर किसी भी चीज़ को वेरीफाई करते हो? आप लेटर्स देखते हो या क्या देखते हो? तो हम ओवरऑल देखते हैं दो तरीके, एक तो हम ओवरऑल आपने एक पेज को किस तरीके से यूज़ किया है, आपकी राइटिंग का साइज़ क्या है, आपने कितना प्रेशर लगाया है जब आप लिख रहे थे, आपकी स्पेसिंग कितनी थी शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में, या लाइनों के बीच में आपने कितनी स्पेसिंग दी, उस पर हम गौर करते हैं। ये तो हम एक मैक्रो लेवल पे करते हैं। माइक्रो लेवल पे आपने अल्फ़ाबेट शुरू कैसे किया, एंड कैसे किया, आपने वाई लूप कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपका टी बार कहाँ जा रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब हम दोनों को अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी पिक्चर किसी इंसान के बारे में पता लगती है कि इस इंसान के साथ क्या चल रहा है, क्या माइंडसेट है, अभी इसके दिमाग में क्या है, अभी भी पास को लेकर स्टक है कि नहीं, क्या फियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको राइटिंग से पता चलती है। राइट मैम, तो जैसे आपने बात की वाई के बारे में कि वाई का जो लूप है वो कैसा है, टी के बारे में आपने बात की, तो क्या कुछ ही लेटर है जिनको देख के बता, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लेटर जिनके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं? तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक लेटर्स हैं, जैसे लेटर टी के बारे में हम बात करते हैं कि लेटर टी एक लौता ऐसा अल्फाबेट है राइटिंग में जिससे कम से कम आपको 14 से 15 पर्सनैलिटी ट्रेट पता लगते हैं। 14 से 15 किस तरीके से आप टी बना रहे हो, उसी तरीके से वाई एक ऐसा अल्फाबेट है जो ये बताता है कि आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है अपने आप के साथ, दूसरों के साथ, वो कैसा है। जब हम बात करते हैं M और N की, वो बताता है कि आप लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, आप बहुत स्लो डिसीजन मेकर हो, फास्ट डिसीजन मेकर हो, वो आपके लेटर M और N से पता लगता है। लेटर O से पता चलता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं,
कितनी सच्चाई से आप अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे हर अल्फाबेट का अपना कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ वो पर्सनालिटी ट्रेट को दर्शाते हैं। कह सकता हूँ जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है ये काइंड ऑफ थोड़ी सी मैच करती है हमारी एस्ट्रोलॉजी से, क्या मैं सही हूँ? कह भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला एक एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपके ग्रह को पढ़ेगा, एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट होगा वो आपके पैटर्न्स को पढ़ेगा, आपके स्ट्रोक्स को पढ़ेगा, आप किस तरीके से लिखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एस्ट्रोलॉजी में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा या साल आपका 2026 कैसा जाएगा। राइटिंग में कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, राइटिंग वही बताता है जो आपने जब लिखा है उस क्षण में आपका माइंडसेट कैसा था, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है। अभी इसको एनालिसिस क्यों बोलते हैं? एनालिसिस इस वजह से क्योंकि मैं आपके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके ये बता सकती हूँ कि चलो अगर आपका एक स्वभाव है गुस्से में रहने वाला, तो मैं एक वहाँ पे एनालिसिस दे सकती हूँ क्योंकि आप 5 साल से गुस्से में रह रहे हैं, तो आगे रिलेशनशिप में आप गुस्सा ना करें क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ही पैटर्न्स को पढ़ के एक एनालिसिस दे रही हूँ, एक उस तरीके से दे रही हूँ, तो वो हैंडराइटिंग एनालिसिस है। क्या इससे हम कुछ अपने हेल्थ इश्यूज जो हमें हो सकते हैं या फिर हैं ये भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल। तो राइटिंग एक जो हैंडराइटिंग एनालिस्ट होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो आपकी राइटिंग में देख के ये भी बता सकता है कि बेस्ड ऑन योर करंट पैटर्न्स जो आपके अभी दिख रहे हैं, या कई बार तो डेफिनेटली भी पता लग जाता है कि क्या पैटर्न है, जैसे हमें ब्लड प्रेशर का पता लग जाता है, हार्ट से रिलेटेड पता लग जाता है, और भी वेरी इंपॉर्टेंट इज कैंसर। तो कैंसर का जो सबसे बड़ा रूट कॉज होता है वो इमोशनल कॉज ज़्यादा होता है। जब आप अपनी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमास रिलीज नहीं कर रहे हो तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक जगह वो इमोशन स्टक हो जाते हैं और वो वहीं और ज़्यादा एक्सपैंड होते रहते हैं, जो इन फ्यूचर आपका कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो राइटिंग क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि वो स्टक इमोशंस है भी कि नहीं। तो अगर वो स्टक इमोशंस एक एनालिस्ट को दिखता है तो वो आपको बोलता है कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। फिर कई बार, जैसे एक बार मेरी लाइफ में हुआ था कि आई गॉट अ हैंडराइटिंग सैंपल, और मैंने उनको ये बोला कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो आप अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना मेरे पार्टनर ने चीट किया था, बिजनेस पार्टनर ने, तो मैं आज भी अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे वो किसी दिन मिल गया ना तो मुझे तो उसका मर्डर करना है। अब वो इस थॉट प्रोसेस से अगले 7 साल 10 साल से बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि, और ये यही जैसे आप माइंडसेट की बात करें, यार कई बार जब पता लगता है कि इस इंसान को ये हेल्थ इश्यू हो गया है, सीवियर इश्यू हो गया है, तो हमें लगता है यार ये तो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, नॉनवेज भी नहीं खाता है, एंड हाउ कम इनको ये सारी, ये बहुत बेसिक सा माइंडसेट होता है लोगों को। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप को किस इमोशन से फीड कर रहे हैं। अब ये जो पर्सन थे, आप सोचिए कि 7-10 साल से वो उस रिग्रेट की फीलिंग के साथ, उस हेट्रेड की फीलिंग के साथ कि उस सामने वाले को मैं माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो पनपता रहा कहीं ना कहीं, विच इन फ्यूचर उनको क्रॉनिक वो फिर हेल्थ इश्यूज होने लग गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपने जो भी इमोशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर हावी ना करें, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस हैं। आप सोच के देखिए कि जिसको हम हैंडराइटिंग ट्रेट में बोलते हैं रिजेंटमेंट, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा निकाल दिया, वो तो चलो अभी के अभी, मैं बोल रही हूँ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो टर्म होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग कैरिड ओवर होता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड अभी किसी बात से नहीं होंगी, लेकिन 6 महीने बाद से वो वही बात हो रही तो मैं उससे फ्रस्ट्रेट होंगी। तो अगर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट रख रहे हैं, गिल्ट रख रहे हैं अपने प्रति, किसी और के प्रति, तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को इन्वाइट करता है। क्या आपके पास कुछ केसेस आए हैं ऐसे जिसमें आपने राइटिंग देख के उनको एक ऐसा सॉल्यूशन बता दिया जिससे उनकी लाइफ ही चेंज हो गई? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कई लोगों का मन करता है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स बनना है, हमें बिजनेस बनना है। अब उसमें क्या होता है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कई एक दो बार ऐसा हुआ है कि कई लोग आए हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत मन था बिजनेस करने का, मैंने उनको कुछ टिप्स दिए कुछ थेरेपी के थ्रू, उन्होंने प्रैक्टिस की रिलीजियसली एंड
फाइनली दे वर एबल टू ओपन देयर ओन बिजनेस देयर ओन वट एवर दे वॉन्टेड टू डू एंड देर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर करियर इवन इन रिलेशनशिप जहाँ पे दे हैव बीन पीपल हु हैव कम टू मी कि उनको इंटीमेसी इशूज़ हैं उनको ट्रस्ट इशूज़ हैं वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि पास में कुछ ऐसे ब्रेकअप्स हुए जिनको वो लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑफकोर्स मैंने उनको वो टिप्स दिए वो हीलिंग ग्राफोथेरेपी दी जो उन्होंने प्रैक्टिस की और नाउ दे आर इनटू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स दे हैव अट्रैक्टेड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एंजाइटी लेवल्स अपने कम किए हैं कई लोगों ने अपना डिप्रेशन यू नो ओवरकम किया है जस्ट बाई मेकिंग सम चेंजेस इन देयर हैंड राइटिंग कुछ पैटर्न्स चेंज करके कुछ अल्फाबेट्स चेंज करके सो मैम जैसे हम बात करें हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जो आजकल की यूथ है ना फेस कर रही है डिप्रेशन एंजाइटी तो क्या ये ट्रेट्स भी हमारी हैंडराइटिंग से सॉल्व हो सकते हैं हील हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सबसे पहले तो क्या हम पता लगा सकते हैं ये पर्सन डिप्रेस्ड है हाँ आपको हैंडराइटिंग से बिल्कुल पता लग सकता है कि उस पर्सन में एंजाइटी है कि नहीं डिप्रेशन है कि नहीं और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाऊँगी कि लेट्स अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन जो इतना कॉमनली यूज वर्ड है एन्जाइटी जो इतना कॉमनली वर्ड अब यूज़ हो रहा है उसका कारण क्या है सो देखा जाए तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं एक तो पहली चीज़ आई वुड से इट्स ऑल्सो सोशल मीडिया क्योंकि आजकल वी आर जस्ट बम्बार्डिंग आर सेल्फ विथ ओवर इन्फॉर्मेशन हर टाइप की इन्फॉर्मेशन ठीक है दूसरा जो मुझे लगता है कि जो फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अदर पर्सन हैज़ आई डोंट देन थर्डली हमें थ्रू आउट आर स्कूल लाइफ ना सबने हमारा नॉलेज डोमेन तो बहुत बढ़ाया है किसी ने हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना वो किसी ने कभी हमारी डेवलप ही नहीं की आज अगर ब्रेकअप होता है तो आपको वो साइन कॉस थीटा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है लेकिन आपको वहाँ पे वो स्किल आनी चाहिए कि ठीक है देयर इज़ अ कंडीशन देयर इज़ अ सिचुएशन हाउ डू आई डील विथ इट हाउ डू आई एक्सेप्ट इट तो वो जो वो कहीं नहीं सिखाया गया तो कोपिंग मैकेनिज्म है ही नहीं मतलब कहीं पे भी हमको वो स्किल सिखाई नहीं गई है कि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो बाउंस बैक कैसे करेंगे किसी ने हमें ये नहीं बताया कि अगर चलो पब्लिक आपको स्टेज फियर होता है पब्लिक फियर होता है तो उसको कैसे इन्हांस करेंगे तो ये जो बहुत सारे कारण है ना जिसकी वजह से लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं वो अपने पक्ष को सामने अच्छे से रख नहीं पाते ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बहुत सारी ये चीज़ें और सबसे बड़ी बात है कि आजकल ना हम सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं हर इंसान अगर आज मुझे बुरा भी लग रहा है या आज मैं वल्नरेबल भी हूँ कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ आई एम नॉट ओके पीपल डू नॉट वॉन्ट टू गो हैड एंड से दैट आई एम नॉट ओके उनको लगता है फिर मेरे को लोग जज करेंगे कि क्या है ब्रेकअप से तेरे को इतना वो हो रहा है चार महीने हो गए यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे लोग उसमें सबसे ज़्यादा लोग फंस रहे हैं और वही मुझे लगता है कि डीप रूट आप और ज़्यादा डिप्रेशन को इनवाइट कर रहे हो मेरी जर्नी में मैंने ये समझा है कि जितने भी लोग जो डिप्रेशन में गए हैं आपको बहुत आश्चर्य होगा वो इस वजह से नहीं गए हैं कि मेजरली उनकी प्रॉब्लम्स क्या रियल लाइफ सिचुएशंस में वो इस वजह से गए हैं कि वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहते हैं कि कुछ गलत हुआ है उनको वो जो फियर है कि लोग क्या कहेंगे उनको जो वो फियर है कि यार लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा मेरे पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा मेरे दोस्त क्या सोचेंगे वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से दे डू नॉट वॉन्ट टू फेस द पीपल जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है और जो सबसे ज़्यादा हमने डिप्रेशन के ट्रेट्स देखे हैं कि सबसे पहले उनका शुरू होता है सेल्फ हेट्रेड से आप अगर सेल्फ लव में हो आप कभी अपने आप को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाओगे वेदर वो इमोशनली होगा वो फिजिकल होगा आप अपने आप को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते जहाँ पर लैक ऑफ सेल्फ लव होगा वहाँ पर आप सोचोगे कि मैं अपने आप को कैसे हार्म करूँ दूसरा जो मैंने देखा है वो फियर्स थे कि लोगों में इतना ज़्यादा फियर है व्हाट विल पीपल से व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी व्हाट इफ पीपल मेक फन ऑफ मी कि मेरा मजाक उड़ाए तो वो दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ है जो हैंडराइटिंग में दिखता है कि वो फियर है तीसरा इज द लॉर्ड ऑफ सेल्फ डाउट जब आप अपने आप को इतना डाउट करते हो
ठीक है, तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ये इनसिक्योरिटीज़, ये फियर्स, आप अपने बारे में लो फील करना शुरू कर देते हो। जब हम बात करते हैं कि इंसान नेगेटिव फील करा, तो ये नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? यही सारी चीज़ें, बिलीफ्स जो होते हैं आपके, मिला जुला के आप और ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को इनवाइट करते हो। तो राइटिंग में एक तरीका है जिससे आपको पता लगता है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट कर रहा है या डिप्रेशन में है, जिसमें से जब भी आप देखो, मैंने जैसे सिग्नेचर में आपको एग्जांपल दिया था कि आपका जो सिग्नेचर है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इमेजिन करिए यही राइटिंग जब नीचे की तरफ जा रही हो, या सिग्नेचर नीचे की तरफ जा रहा हो, अपोजिट नेगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी का ऑपोजिट नेगेटिविटी। तो जब भी आपकी राइटिंग या सिग्नेचर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को इनवाइट कर रहे हो, जिसको हम ऑल्सो हम बोलते हैं आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। अगर हम समझे तो हम लाइफ में वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी और आपके अंदर ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा मीनिंग देने लग जाते हो चीज़ों को, इस वजह से आप उस दलदल में घुसते जाते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता है। वन फाइन डे यू जस्ट रियलाइज़ कि दिस इज़ फॉर डिप्रेशन, वो कंसिस्टेंटली जब हो रहा था आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से लोग डिप्रेशन में, एन्जाइटी का भी तो कारण जो है वो जो राइटिंग में निकल के आया है इज़ लाइक फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, हम गलती करने से डरते हैं। अभी कितने ऐसे यूथ को मैं मिलती हूँ जो ये बोलते हैं कि हमें वीडियोज़ बनाना है, कॉन्टेंट बनाना है, लेकिन हमको ना फियर होता है कि हम अगर अच्छा नहीं बोले। तो माई पॉइंट इज़ कि आप शुरुआत तो करो, हु वॉज परफेक्ट इन डे वन, लेकिन लोगों को ये जो परफेक्शन का कीड़ा है ना, जिससे एंजाइटी होती है, लोगों को डे वन से परफेक्शन चाहिए, डे वन से परफेक्शन चाहिए, जिसमें हम हमारा एक ट्रेड भी होता है फियर ऑफ नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। ये भी एक अपने आप में फियर है कि मुझे गलती ही नहीं करनी है, और गलती कर भी दी तो मैं मान नहीं सकता। अरे आप भी तो इंसान हो। जब हम चीज़, हम क्यों फियर करते हैं? क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीनिंग देते हैं, हम लाइटन अप भी नहीं करते। अगर गलती कर दी तो उसको लेट गो करना नहीं आता हमको। हम आज एक ब्रेकअप भी होता था, हम उसको लेट गो ही नहीं कर पाते, कितने टाइम तक हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो आप देखोगे लोगों के अंदर एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, लोगों के अंदर ये जो फियर ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डे टू डे जब होता रहता है तो जाके वो डिप्रेशन का रूप लेता है। डिप्रेशन एक बार में नहीं होता है। जब आप कॉन्स्टेंटली ये सारी एनर्जीज अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस फियर में जी रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, जब आप इस फियर को ओवरकम करने की पावर रखोगे ना, आपको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी, आपको ये चीज़ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है आत्मविश्वास, कि मुझे विश्वास है, मुझे ये सही लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, एंड दैट्स ओके, दैट्स ऑल यू नीड। राइट मैम, एक और बात मैम, जैसे इतने बड़े बड़े कवि होते हैं, शायर होते हैं, जो जिनका प्रोफेशन ही होता है लिखना, और ऑब्वियसली जो शायरी होती है या फिर जो कविता होती है वो ऐसे ही नहीं लिखी जाती है, वो आपकी पर्सनैलिटी से ही निकलती है, आपके अंदर से निकलती है। तो अब मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, जब आपने इतनी थोड़ी सी साइंटिफिक तरीके बताए, साइंटिफिक चीज़ें बताई जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हमारी राइटिंग्स को इम्पैक्ट करती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो शायर होते हैं, जो दर्द भरी शायरियाँ लिखते हैं या फिर प्यार भरी लिखते हैं, बहुत पॉजिटिव लिखते हैं, तो वो अपने रियल लाइफ में वैसे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने ही इमोशंस, क्योंकि वो लिखावट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो वो अपनी ही एनर्जीज उसमें डाल रहे हैं। कई बार कोई फिक्शनल भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स, स्पेशली शायरी वगैरह, तो आपके दिल से ही निकलती है, तो वो जब लिख रहे हैं तो वो उनकी फीलिंग्स ही है, उनकी फ्रीक्वेंसीज है, उनके बिलीफ्स हैं, वो कैसी सोच रखते हैं, वो कैसा बिलीफ अपना बना के रखें उस चीज़ को लेकर, वही वो लिखते हैं। तो मैम यानी कि चाहे हम लाइफ में कैसा भी फील कर रहे हैं, आइदर वी आर फीलिंग पॉजिटिव, आइदर वी आर फीलिंग नेगेटिव, और एनी काइंड ऑफ फीलिंग, हमें बस लिखना चाहिए। हाँ लिखना चाहिए, आपका ये कहना है। Exactly, अगर आपको बुरा भी लग रहा है उसको रिलीज कर दो ना, लिखकर। Exactly. लिखकर हम रिलीज कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में प्रेशर बन रहा है या जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लिख दो उसको, रिलीज करो। इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रांगली मैं अपना फुल मून रिचुअल करवाती हूँ लिख के। तो फुल मून इज एनीवेज वेरी वेरी पावरफुल, जिस दिन जो भी आप लिखते हैं रिलीज करते हैं तो उस दिन बहुत ब्यूटीफुली वो रिलीज होता है। तो फुल मून के अंदर आप शाम को आप बैठो
आप एक कैंडल जलाओ और आपको जो कुछ नेगेटिविटीज आपको लग रही है, जो कुछ लाइफ में आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको जो लग रहा है कि यहाँ से मुझे पैसा नहीं आ रहा, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, मेरे अंदर ये सारी कमियाँ हैं, सब लिखिए, उसको जलाइए, उसको फ्लश कर दीजिए, तो यू विल फील द डिफरेंस कि समथिंग इज गेटिंग लाइटर. और फुल मून इसलिए क्योंकि फुल मून की एनर्जी उस दिन इतनी पावरफुल होती है कि जो भी आप लेट गो करना चाहो, रिलीज करना चाहो, वो ईजिली रिलीज हो जाता है. तो ये मैं अपने कोर्सेज में करवाती भी हूँ लोगों को कि फुल मून रिचुअल करो, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल. दूसरा मैम, आजकल ना लोग बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, दे थिंक कि उनके पास कोई है ही नहीं जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें. वो चाहते हैं कोई हो, बट सब हर किसी को नहीं मिलते हैं लोग. तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप लिखो. इससे आई थिंक दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर सभी को आप जैसा कोई हीलर मिल जाए तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर वो लिखता है तो वो तो अच्छा फील करेगा ही, उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे मन में जो भी भारीपन था वो मैंने निकाल दिया है. और अगर उसने कुछ ऐसा लिख दिया जो दूसरे के दिल को टच कर जाए तो वो फेमस भी हो सकता है. और ये मेरी मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है एज अ हैंडराइटिंग एनालिस्ट कि कई बार ना हीलिंग से ज़्यादा अगर मैं उनकी हैंडराइटिंग एनालाइज करती थी और मैं सिर्फ एक प्रश्न उनसे करती थी कि लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आप शेयर करना चाहोगे, सिर्फ ये इतना सा सवाल, एंड आई से आई विल नॉट जज यू, डोंट वरी, सिर्फ इतना स्टेटमेंट ही बोलना किसी के लिए, क्योंकि सामने वाला क्या आपके पास लोग नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन हम कतराते क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो जज करेगा. अच्छा तू इस एज में, तू उस एज में, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, वी विल गेट सो मच ऑफ जजमेंट. तो कई बार सिर्फ ये प्रश्न ही किसी को पूछना या सिर्फ ये कहना कि आई विल नॉट जज यू, कैन शेयर क्या चल रहा है लाइफ में, वो उसमें जो आपसे ओपन अप होगा. तो मेरी जर्नी में जब भी मैंने उनके सैम्पल्स देखे हैं, राइटिंग्स देखी, मैंने सिर्फ इतना बोला है कुछ है लाइफ में जो आप शेयर करना चाहोगे, आई नॉट जज यू. पीपल हैव क्राइड, पीपल हैव क्राइड फॉर आस कि किसी ने कभी ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा. और यही अभी की ज़रूरत है कि एक बार के लिए हम लोगों को जज करना छोड़ दे और वो जैसे उनको खाली सुने. और एज अ हैंडराइटिंग एनालिस्ट यही हमारा थंब रूल होता है कि हमारे पास हर टाइप के सैम्पल्स आएंगे. हमारे पास वैसा भी सैम्पल आएगा जिसमें पता लग रहा होगा कि इस पर्सन में शायद रेप करने की टेंडेंसीज होगी, या हमारे पास ऐसा भी सैंपल आएगा जिसमें हमें पता होगा कि ये पर्सन बहुत डिसऑनेस्ट है. बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें वो स्पेक्टिकल नहीं लगाना है कि मैं जज कर सकूं किसी को, क्योंकि वो अगर अपनी हैंडराइटिंग दे रहे हैं तो वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं. और यही एक कोच, एक हीलर, एक कंसल्टेंट का काम होता है कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके पास आता है, उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है. और आपको नॉन जजमेंटल तरीके से उनको पूछना है, अब आप बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, क्या करके आए हो आप, राइट? तो जब आप उतना भी पूछते हो तो मुझे मेरी जर्नी में मुझे लगता है कि आई हैव गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्सेज. सिर्फ उतना पूछने से ही लोगों को वैसी हीलिंग मिल जाती है. कितनी बार तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनती हूँ और उसमें ही लोगों को इतना बेटर फील होता है. क्यों? क्योंकि आपको जजमेंट नहीं मिलती. सो वॉट, लाइक आई गेट लॉट ऑफ पीपल कमिंग सेइंग आई एम हैविंग एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स, लाइक सो वॉट. द मोमेंट आई विल स्टार्ट ओ एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर, वहीं पे आपने वो एनर्जी उनकी ब्रेक कर दिया, वो आपके सामने भी ओपन अप नहीं हो कर पाएंगे, बोलेंगे नहीं, वो बोल ही नहीं पाएंगे. तो वही एक्सप्रेशन की बात करिए, वो आप लिख कर करो या बोल कर करो, आप एक्सप्रेस ही नहीं करें. लोग आजकल एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते. इट्स ओके ना अगर फियर भी हो रहे, इट इज़ ओके ना अगर आप वल्नरेबल भी फील कर रहे हो. वॉट इज़ रॉन्ग? ये ऐसा हवा बना दिया है ना कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए. लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती. यूनिवर्स के भी अपने नियम है, वो बैलेंस ज़रूर क्रिएट करेगा. कुछ एरिया में देगा स्टेबिलिटी, कुछ एरिया में नहीं देगा. आपको उस चीज़ से ओके होना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. एक बार मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक पर्सन थे, उनको ब्लड का वो था कि उनको इतना ज़्यादा सफाई का था, नॉट इवन इट वॉज वन लेवल अहेड ऑफ OCD, कि उनको यही रहता था कि वो जितनी बार वॉशरूम जाते थे उतनी बार वो नहा के आते थे. उनको उस टाइप का था, क्योंकि वो पैरानॉइड हो गए थे कि मुझे कोविड हो जाएगा. ऐसे भी होइए, ये पोस्ट कोविड में आपको बात कर रही हूँ. तो ये जो फियर है वो तो आप सोचो कि अपनी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ बिताना, या आप सोचिए कि आप किसी के साथ, किसी भी एक एम्प्लॉई है आपके ऑफिस में या आपके कोई सबॉर्डिनेट है जिनके साथ आपको ऐसा रहना पड़े, तो आपको एक दिमाग में रहेगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस, किस टाइप के पर्सन है ये. तो ये एक दो ट्रेट्स होते हैं, और भी काफ़ी ट्रेट्स होते हैं. जैसे हमें
पता लगता है किसी की फिजिकल एपेटाइट कितनी है, यू नो हाउ मच दैट पर्सन इज विलिंग टू हैव सेक्स विद अदर पर्सन. इफ द एपेटाइट इज नॉर्मल देन इट्स गुड, विच इज नॉर्मल, लेट्स नॉट डिफाइन नॉर्मल, बट हाँ न्यूट्रल. बट किसी की जब एपेटाइट बढ़ जाती है तो वो अपनी एपेटाइट तो फुलफिल करेगा. अब वो अपने पार्टनर के थ्रू करे, वो बाहर जाके करे, वो किसी भी फॉर्म में करे, तो वो जब हम किसी की हैंडराइटिंग में देखते हैं तो इसमें हम एक अवेयरनेस में आ जाते हैं और उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ये चीज़ चेंज करना चाहिए क्योंकि इससे ये जो आप, और फिर हम डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी जो अर्ज है वो ज़्यादा है या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो 90% हमें आंसर्स मिलता है कि हाँ हम अपनी अर्ज कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो वो देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड टू अदर केसेस की जब आप हम देखते हैं, तो अगर देखा भी जाए तो उनकी एपेटाइट ज़्यादा होती इसलिए वो उन चीज़ों में इंडल्ज ज़्यादा करते हैं. तो वी ऑलवेज गिव देम अ चॉइस, डू यू वांट टू रिड्यूस इट, डू यू वांट टू बी विद इट. इफ दे से यस तो फिर देन वी गिव देम ऑफकोर्स रिकमेंडेशन की हाउ दे कैन यू नो कम्प्लीटली थोड़ा अपनी अर्ज कम कर सकते हैं. तो ये सारी ट्रेड्स होते हैं जो हम राइटिंग में देखते हैं और भी काफ़ी है हेल्प ट्रेड्स. तो आई थिंक ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम जिस भी पर्सन के साथ बैठे हैं किसी भी रूम में हमें पता लग सके कि वो उसके दिमाग में क्या है, उसकी ट्रेड्स क्या है. जैसे आपने बताया कि हम लोगों की राइटिंग से पता कर सकते हैं लाइक डेट ही इज़ वेरी सॉरी उसकी एपिटाइट ज़्यादा है फॉर सेक्स एंड ही कैन बी अ रेपिस्ट वी कैन से. तो वहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इसको कम करना चाहोगे या फिर आप इसको ऐसे ही रखना चाहोगे. तो ऐसे में जब हम आपके पास कुछ कपल्स आते होंगे रिलेशनशिप एडवाइस लेने, तो आप उनको भी जो भी उनके पार्टनर उनको आप बताते होंगे. हाँ बिल्कुल, हम बताते हैं कि अगर आपके अंदर इंटीमेसी इश्यूज आ रहे हैं तो ये चीज़ समझिए कि उनकी जो एपेटाइट है, अब आपकी दो रोटी खाने की नींद है, सामने वाले की आधी रोटी खाने की नींद है, तो वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि इनकी दो रोटी की नींद है, आपकी आधी रोटी की नींद है, अब आप आपस में इस चीज़ को म्यूचुअली डिसाइड करिए कि आप एक रोटी में आएंगे या आप जो दो रोटी खा रहे हैं वो आप आधी रोटी को फुलफिल वो करेंगे या किस तरीके से करेंगे. वो डेफिनेटली उनकी पर्सनल चॉइस होती है, हमारा काम होता है उनको बताना कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. उसमें भी अगर सी एक हमने बींग हैंडराइटिंग एनालिस्ट आई हैव लर्न्ड कि यू कैन ओनली कोच पीपल हु आर कोचेबल. आप किसी को तभी सुझाव दीजिए जब वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं. तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप उनसे पूछिए आपको चेंज करना है कि नहीं करना, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग हम नहीं करें कि मैंने आपकी राइटिंग देखी मुझे ये दिख गया. अब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये नीड लग रही कि मुझे नहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है. लाइक मेरे पास एक बार एक केस आया था जिसमें दैट पर्सन रीच आउट टू मी लाइक मैम कैन यू हेल्प मी बिकॉज आई एम मास्टरबेटिंग 7 to 8 टाइम्स अ डे, हाउ डू आई यू नो हाउ डू आई शिफ्ट इट. तो वहाँ पे ना पर्सन वॉज विलिंग टू इन्वेस्ट कि मैं कैसे अपने आप को चेंज करूँ, क्या राइटिंग में चेंज करूँ, क्या मैं अपने माइंड सेट में शिफ्ट करूँ. तो जब लोग उस नीड से आते हैं तो जब आप उनको जब आप वो तो वही बात हो गई मुझे लगता है कि जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो इट एक्चुअली इज नॉट द मेडिसिन दैट वर्क्स, वो जो आपका फेथ है आपकी जो विलिंगनेस है ना वो काम करती है. तो जब आप लोग आते हैं पूछते हैं तो वी डेफिनेटली टेल देम कि दीज आर द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन. एंड आई थिंक वैसे भी हैंडराइटिंग से लोगों को ये पता ही नहीं कि आपकी इंटीमेसी इश्यूज होती है. जैसे एक केस आया था जिसमें द पर्सन वॉज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल मीन द पर्सन डजंट वॉन्ट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. नाउ इट वॉज अ पर्सनल चॉइस ऑल्सो और उनकी राइटिंग में भी वो दिख रहा था कि उनको इंटीमेसी वर नॉट फॉन्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी. इट वॉज फिजिकल इंटीमेसी एंड इमोशनल इंटीमेसी. बट वेन यू डिग डीपर इन टू इट यू रियलाइज कि वो जो उनकी कंडीशनिंग हुई है बहुत सारे कारण से हुई है. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो पर्सनल चॉइस. कई बार हम अपनी पर्सनल चॉइस भी ऐसा कर लेते हैं, कई बार कुछ हमारे लाइफ में जो पास्ट में हुआ होता है वो भी होता है. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ स्पेस की ठीक है, मैंने जैसे बोला कि अगर आपकी दो रोटी की नींद है मेरी चार रोटी की नींद है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए. और अगर रिलेशनशिप में तो इस चीज़ को समझे कि आप वो दो और चार रोटी की नीड को 3 में ला सकते हो या 2.5 में ला सकते हो, जिसमें दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन हो. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा जब हम इंटीमेसी की बात करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास केसेस आए हैं कि जहाँ पे इंटीमेसी इश्यूज इसलिए हुए क्योंकि पास्ट में जो रिलेशनशिप रहे हैं वो बहुत टॉक्सिक रहे, जिसमें अब पर्सन ट्रस्ट करने से डरता है क्योंकि माइंड की अगेन एक बहुत एक एबिलिटी होती है. हमारा माइंड हमेशा एविडेंस पे काम करता है. कैसे एविडेंस पे काम करता है? अगर आपसे एक बार चाय गलत बन गई
तो आप जब दोबारा चाय बनाओगे ना तो आप आपका माइंड हमेशा उस एग्जाम्पल से लेट करेगा, अरे तेरे से तो पिछली बार बनी नहीं थी। हाँ। ये आपका माइंड का काम है। इसी तरीके से जब एक बार कभी आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं या आपका कभी चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वो कहीं ना कहीं आपका एविडेंस दिमाग में रह जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के साथ इमोशनली फिजिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है, और यही हैंडराइटिंग से फिर हम आपके ब्लॉकेजेस को भी क्लियर करने में हेल्प करते हैं कि कैसे आप राइटिंग के कुछ स्ट्रोक्स चेंज करके ये जो आप अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो पास्ट मेमोरीज को, उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो ताकि नेक्स्ट रिलेशनशिप में जब आप जाओ तो वो बैगेज लेके मत जाओ, उस फियर के साथ मत जाओ कि नहीं पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम राइटिंग से पता करते हैं। एक और बात है मैम, काफ़ी लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे, होता क्या है ना जैसे रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पर्सन ना, कोई भी पर्सन है वो किसी गलत पर्सन के साथ जाएगा, वहाँ से वो धोखा खाएगा, फिर वो कहेगा नहीं यार सब ऐसे ही होते हैं। हाँ। राइट। फिर दूसरा पर्सन जो सही है, जो सही उसके लाइफ में आना चाह रहा है, वो कहेगा नहीं मैं अलग हूँ, आई एम डिफरेंट। तो ऐसे होता है बहुत बार। तो यहाँ पर मैम मैं आपसे थोड़ा जितना मैं समझ पाया हूँ कि हम लोग हैं ना लोगों के माइंडसेट को समझ के उनके माइंडसेट को हील करते हैं, ना कि हम उनके राइटिंग सुधार दें। हम उनके माइंडसेट को हील करते हैं। आपके अक्षरों में कोई क्षमता नहीं आपको हील करने की। आपने जिस तरीके से उस पेन को पकड़ा है और जो आप वो फिंगर मूवमेंट कर रहे हो वो आपके ब्रेन पैटर्न को चेंज कर रहा है। अक्षरों में कोई क्षमता नहीं होती है। तो जब मैंने आपको सुझाव दिया कि आप टी ऐसे बनाइए, तो मैं टी अक्षर पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि टी बनाने में जो आपके फिंगर मूवमेंट होगी वो एक ब्रेन पैटर्न को क्रिएट करेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी इंटीमेसी चेंज करनी है तो आप अपनी वाई ठीक करेंगे तो या वाई को बेटर तरीके से लिखेंगे तो एक फिंगर मूवमेंट होगा जिससे आपकी इंटीमेसी बेटर होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये आपके फिंगर मूवमेंट का है जो हम थेरेपी के फॉर्म में लेते हैं। जैसे अगर हम समझे तो मुद्रा मेडिटेशन हम करते हैं, तो इवन इफ इट इज दिस मुद्रा अगर आप इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आपका पूरे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो देखा जाए तो उस श्वासों में इतना कुछ फर्क नहीं, लेकिन आपकी फिंगर मूवमेंट में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपके अनुभव में जो चेंज आ रहा है। तो इसी तरीके से ग्राफोथेरेपी भी वैसे ही काम करता है। इट्स योर फिंगर मूवमेंट, हाउ आर यू मेकिंग दैट अल्फाबेट, दैट मैटर्स। राइट मैम। और मैम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के अलावा ना, जैसे हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस की जो कॉमन लोग ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम हो रहा है जो मेरी एज के लोग फेस कर रहे हैं कि आजकल ना उनको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन है हमारी राइटिंग में? हाँ। तो एक तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया वाई टी, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा नाउ लेट्स कम कि हम कैसे, ये तो हम सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, कॉन्शियस लेवल पे हम राइटिंग को यूज़ करके कैसे अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं या इन इश्यूज को ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे इनसोम्निया है तो उसके लिए एक ब्यूटीफुल एफर्मेशन होती है। एफर्मेशन इज एक्चुअली समथिंग विच यू कैन क्रिएट, इट्स नथिंग बट पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, जिससे आपका माइंडसेट इन्फ्लुएंस होता है ऑन अ कॉन्शियस लेवल। तो हम यहाँ पे एक एफर्मेशन बोल सकते हैं, आई एम डीपली एंड ईजली गोइंग इन टू स्लीप। ठीक है, आई एम डीपली एंड ईजली गोइंग इन टू स्लीप, आई एम रेडी टू रिलीज एंड गो इन टू डीप स्लीप, एनी ऑफ विच एवर रेजोनेट्स विथ यू। जब आप ये लिखते हैं, इसको आप 11 बार लिखे, 21 बार लिखे, मैं आपको नंबर भी नहीं दूंगी, टेक योर चॉइस। ठीक है, आप इसको जब लिखते हैं तो आप सबकॉन्शियसली एक तो अल्फाबेट्स को चेंज कर रहे हो, कॉन्शियसली आप ये एफर्मेशन भी लिख रहे हो। और सबसे ईजी तरीका है कि एक बार एफर्मेशन ये लिख कर अपने पिल्लो के नीचे रख दो। तो उस हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब आप सोने भी जाओगे तो वही शब्दों की फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में भी जाती है जिस वजह से आपको नींद अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही जो आपको सॉल्व करनी है तो आप उसका सोल्यूशन एक पॉजिटिव एफर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है आई कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता हूँ, तो उसका पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है, आई एम एन एक्सेलेंट स्पीकर, आई एम सो कम्फर्टेबल स्पीकिंग। आप वो लिखिए 10 बार 11 बार या उसको लिखकर अपने पिल्लो के नीचे रख दीजिए, तो वो भी आपके लिए वैसे ही काम करेगा कॉन्शियस लेवल पे। सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अल्फाबेट्स काम करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप सो भी रहे हैं तो उसी वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में जा रही है जब आप सो रहे हैं।
तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्लीपिंग टेक्निक. जब आपको कुछ भी हासिल करना है तो आप लिख कर उसको पिलो के नीचे रख दीजिए और आप सो जाइए, तो वो बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे आपके लिए काम करे. राइट मैम. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम जैसे हमारी हैंडराइटिंग हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स को डिनोट करती है, तो क्या हम अपनी हैंडराइटिंग को चेंज करके अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल फंडा है. जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन आपके आर्म्स को एक सिग्नल देता है, फिर आपके हाथों को एक सिग्नल देता है, इस वजह से आपके अल्फाबेट्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यू नो आर यू राइटिंग इन दैट वे. नाउ देयर इज अ रिवर्स फिनोमिनन कॉल्ड ग्राफोथेरेपी, या हम बोलते हैं कि हाउ यू कैन हील थ्रू हैंडराइटिंग. यहाँ पे क्या होता है कि आप कॉन्शियसली अपने फिंगर मूवमेंट को चेंज करते हैं, एक तरीके से अल्फाबेट बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, वो आपके हैंड को एक सिग्नल देता है, आपके आर्म्स को सिग्नल देता है, और उसकी वजह से आपके ब्रेन पैटर्न में चेंज होता है. इनफैक्ट एक रिसर्च भी की गई थी, जैसे आपकी हार्ट बीट नापने के लिए ECG मशीन होती है, उसी तरीके से ब्रेन को नापने के लिए देयर इज अ मशीन कॉल EEG इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ मशीन. और ये रिसर्च की गई थी कि जब भी लोग ग्राफोथेरेपी कर रहे हैं, अपने पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अक्षरों को लिखने का यू नो तरीका बदल रहे हैं, तो जब भी वो कर रहे थे उनका ब्रेन पैटर्न चेंज हो रहा था. तो इसी तरीके से हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको आपको हैबिट बनाने में कम 30 से 40 दिन लगेंगे. तो अगर मैंने आपको एक अक्षर दिया है या मैंने आपको कोई पैटर्न दिया है जो आप रेगुलरली 30 दिन तक करते हैं, क्योंकि एक रिसर्च में कहा गया था कि किसी भी चीज़ को आपकी हैबिट बनने में कम से कम 18 से 352 दिन तक लगते हैं, 18 to 352 डेज. तो जब आप मैं बोलती हूँ आप 30 दिन तक इसको प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर बहुत सबकॉन्शियस चेंजेस आएंगे. जैसे आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो एंशियस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आप सिर्फ रोज़ 5 से 7 मिनट कुछ पैटर्न्स है उनको आप प्रैक्टिस करें विदाउट एनी फेल, आपको ऑटोमेटिकली 30 डेज में फील होने लगेगा कि आपका एंजाइटी लेवल बहुत कम हो गया है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों आपके फियर्स को लेकर, आपकी रिजेंटमेंट को लेकर, कई बार हम बहुत हेटेड रखते हैं जो भी पास्ट में हुआ है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं, उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको भी इजीली लेट गो कर सकते हैं. हाँ, बट ये कि आपको रेगुलरली 5 से 7 मिनट 30 दिन तक करना होगा. राइट मैम. सो कुछ लेटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जी, कि जो कॉमन है ऑब्वियसली 26 के 26 को हम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसमें से कुछ जैसे आपने बताया YT और L, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम. किस लेटर को आप सबसे ज़्यादा मतलब समझते हैं कि ये लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? मैं तो लेटर T को बोलती हूँ. T को ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि तो उसमें 14 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके बारे में पता चलते हैं, और लेटर T एक ऐसा अल्फाबेट है जो आपके फियर्स को भी बताता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बताता है, आप अपनी लाइफ में कैसे लक्ष्य गोल सेट करते हैं वो भी बताता है. लेटर T ये भी बताता है कि आप सरकास्टिक हो कि नहीं, ये भी बताता है कि आप में गुस्सा है कि नहीं. लेटर T ये भी बताता है कि आप लोगों की बातों को लेकर कितना सेंसिटिव है. तो ये एक ऐसा अक्षर है जिससे आपको बहुत सारी बातें अपने आप के बारे में पता लग जाती है. और लेटर T जब हम सही तरीके से लिखते हैं ग्राफोथेरेपी तरीके से, तो आपको ये फील होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ रही है, आप अपनी लाइफ में जितने भी फियर्स आप फेस कर रहे हैं उसको आप ओवरकम कर पा रहे हैं, आप लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो, अपना प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ पा रहे हो, टेम्पर आपका कम हो रहा है. तो इसलिए मेरी वजह से ये तो सुपर पावर अल्फाबेट है लेटर T. सबको एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए अपना T की उनका T उनके बारे में क्या कह रहा है. राइट मैम. तो कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस T को लेके? हाँ, तो T को लेकर एक बहुत ही सजेशन है जो मैं अपने हर वीडियो में, हर यू नो इंस्टाग्राम में बोलती हूँ कि जब भी आप लेटर T लिखें, मैं स्मॉल लेटर की बात कर रही हूँ, तो T के दो हिस्से होते हैं. एक होता है T स्टेम जब आप T बनाते हैं, और एक होता है T बार जो स्टेम को काटता है. ठीक है, तो जब भी आप T स्टेम बनाएं, पहली चीज़ तो वो बड़ा ही सिंपल प्लेन T स्टेम होना चाहिए. उसके अंदर कोई ऐसा लूप हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी में कि राउंडेड कुछ ऐसा वो शेप नहीं होना चाहिए, सिंपल एक लाइन की तरह वो T स्टेम होना चाहिए. T बार
वो होना चाहिए टी बार होता है जो आपके लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है। तो अगर आपका टी बार टी स्टैम्प के टॉप में वो टच हो रहा है और बैलेंस है, ना ज़्यादा राइट की तरफ ना ज़्यादा लेफ्ट की तरफ, तो वो जो आपका टी बनता है टी बार ऑन द टॉप, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट लेवल, आपकी गोल सेटिंग बहुत हाई हो जाती है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1,00,000 रुपये महीना कमाऊँ, आप इसको प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे कि आपके जो गोल्स हैं वो फिर 1,00,000 से 5,00,000 में चले जाएंगे, 5,00,000 से 10,00,000 में जाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रख रहे हो। तो बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। टी लेटर पे काम करने से इतना सब कुछ हो सकता है, इतना सब कुछ हो सकता है। आप रिलेशनशिप में इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस करना है। आजकल ये जैसे बहुत लोगों को स्ट्रगल होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, तो वो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। और रिलेशनशिप में देखा जाएगा कि एक बहुत ही कॉमन ट्रेट मैंने अपने पूरी जर्नी में देखा है लोगों में होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। मैं खुद में ये सेल्फ डाउट रहता है, या मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, मैं उतने अच्छी नहीं हूँ या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो जब आप टी बार को हाई करते हो तो आपका वो जो एटीट्यूड है, वो जो आपका एक बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, यू ओवरकम दैट। तो आपको लगता है कि नहीं यार, जितना वो रिस्पेक्ट के काबिल है मैं भी उतनी रिस्पेक्ट की काबिल हूँ, जितना वो एक प्यार को डिज़र्व करता है मैं भी वो प्यार को डिज़र्व करती हूँ। तो वो चीज़ें लेटर टी से आपको काफ़ी पता लगती है, और जब आप टी बार टॉप में रखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। आपने मैम अपने रील्स में काफ़ी बार बातें की है लव के बारे में, अनकंडीशनल लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक कि रिलेशनशिप में अगर हम जा रहे हैं तो क्या हमें पहले से कुछ पता लग सकता है अपने पार्टनर के बारे में? बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो रूट्स थे ये मेरे हमेशा से मुझे ग्राफोलॉजी से ही मिले हैं, राइटिंग से ही मिले हैं। और जैसे जैसे मैं एनालिसिस करती रही, मुझे समझ में आया कि जब मैं कपल्स की कंपैटिबिलिटी करती थी तो एक दो बार जब शुरू शुरू में किया था तो ऐसा होता था कि लोगों की कंपैटिबिलिटी की और कुछ हफ्ते बाद 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आता, यार आपने क्या एनालिसिस कर दिया, वो तो मुझे ब्लेम कर रही है या वो मुझे ब्लेम कर रहा है, देखा उन्होंने भी ऐसे बोला था। ऐसा क्या बताती थी आपको? जैसे राइटिंग देख के पता लगता था कि सामने वाले का गुस्सा कैसा है, स्टबर्न कितने हैं कि नहीं है, उनकी लिसनिंग कैसी है। एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है। अगर आप अपने पार्टनर को सुन ही नहीं रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब मैं ये करती थी तो मैंने देखा लोगों में बहुत जजमेंट आ रही थी कि देखा तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। देन आई स्टार्टेड यू नो रीफ्रेजिंग इट कि कंपैटिबिलिटी जब हम बात करते हैं इट इज नॉट अबाउट जजिंग कि आप ऐसे हो तो अच्छा, देखा तुम ऐसे हो, रैदर कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एक्सेप्टेंस कि अच्छा अब मुझे पता है कि यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक दैट। ठीक है, तो वो कंपैटिबिलिटी में होता। और अनकंडीशनल लव इसलिए आया क्योंकि आजकल में जितने मेरे पास केसेस आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग ब्रेकअप से आते हैं, मैक्सिमम लोग सेपरेशन से आते हैं, वो इस वजह से हो रहा है कि हम लोगों को बहुत जल्दी फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये हमारी चेकलिस्ट में काउंट हो रहा है तो ये इन है, अगर एक दो चीज़ें वो चेकलिस्ट में नहीं है तो ये आउट है। मैं ये बोल रही हूँ कि यू आर इन्वेस्टिंग इमोशनली इन अ रिलेशनशिप, तो उसमें आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो कि यू नो मैं कंडीशंस नहीं होने चाहिए। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, यू नो इफ़ यू हैव अ पेट, दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर आपके पास कोई डॉग है, डॉग नेवर जजेस यू ना। डॉग को कभी आप ज़्यादा अटेंशन देते हो, कभी आप कम अटेंशन देते हो, ठीक है, कभी उसके साथ आप बड़ा लाड करते हो, कभी उसके साथ खेलते हो जब आपके पास टाइम होता है, कभी आप नहीं करते हो, लेकिन वो डॉग कभी आपको जज नहीं करता है। शायद कभी आप उसको खाना भी टाइम पे नहीं देते हो, आपको कहीं पे ट्रैवल करना होता है, लेकिन डॉग तब भी आपको जज नहीं करता है। आप वो 10 दिन बाद भी आओगे तो आपको वैसे ही प्यार से मिलेगा, आप 2 घंटे बाद भी आओगे तो भी आपसे वैसे ही प्यार से मिलेगा। ऐसा ही रिलेशनशिप में जब हम अपनाने लग जाएंगे कि नॉट दैट, अगर आपने मेरे साथ क्या होता है, आप मेरे साथ 10 बार बाहर जाएंगे, आप मेरे साथ 8 बार अच्छे से बिहेव करेंगे, 2 बार जब आप अच्छे से नहीं बिहेव करोगे तो मैं आपको उसके लिए जज करूंगी कि देखा वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है। तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव आता है कि व्हेन यू लव दैट पर्सन, आप हमेशा उनके पॉजिटिव्स क्यों लेते हो, आप उनके नेगेटिव्स भी साथ में लीजिए ना, क्योंकि वही तो बैलेंस क्रिएट करेगा कि मैं अगर आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ यू नो तो आई शुड एक्सेप्ट योर नेगेटिव्स एंड योर पॉजिटिव्स। अब उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो चॉइस आप ले सकते हो कि हाँ ये नेगेटिव मेरे लिए नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक थ्रू इट, बट आप वो
दो बार वो जो गलत आपका इंप्रेशन पड़ता है, आप आठ बार वो जो पॉजिटिव इंप्रेशन होता है उसको क्यों भूल जाते हैं. तो जब आप हैंडराइटिंग से किसी इंसान का किसी इंसान के एनालिसिस करते हो, उनकी राइटिंग देखते हो, तो आपको वो सच्चाई भी पता लगती है कि हाँ ये इंसान कमिटमेंट फोबिक है, हाँ ये इंसान स्टबन रहेगा कुछ चीज़ों में, हाँ ये जो इंसान है इसकी इनसिक्योरिटी रहेगी मुझे लेकर. अगर वो जानने के बाद आप इन्वेस्ट करते हो इमोशनली, देन बी प्रिपेयर्ड कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे. और आप जब उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हो तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हील्ड रहता है. फिर उसमें टॉक्सिसिटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि यू कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड नॉट जजमेंट. तो मैम ऐसे तो फिर जब भी हमें किसी को लव लेटर भी लिखना हो तो हमें बहुत सोच समझ के कूल माइंड से लिखना पड़ेगा कि कहीं उसको मेरे बारे में कुछ पता ना लग जाए. नहीं जैसे मैंने आपको बोला हैंड राइटिंग नेवर लाइज, ठीक है. और आज की जैसे जनरेशन में जनरली लोग व्हाट्सएप ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं, और मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ कि अगर आपको किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करना है, और ये एक्सपेरिमेंट सब करके देखना जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि वही मैसेज आप व्हाट्सएप में टाइप करना, ठीक है, भले वो चार लाइन का हो दस लाइन का हो, और कोशिश करना कि वही चीज़ आप एक पेपर और पेन में लिखें, ठीक है, और आप जिस भी पर्सन को आप देना चाहते हैं उनको दीजिए. आप देखेंगे एक तो आपकी एनर्जी में चेंज होगा. जब आप व्हाट्सएप में लिखते हो तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है. जब आप एक लव लेटर लिखेंगे आपकी फिंगर्स आपकी एनर्जीज उसमें जा रही है. और जब इन दोनों का आप सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज देखो भेजोगे आप उनका रिएक्शन नोट डाउन करना, आप उनको जब लव लेटर देंगे तो उनका रिएक्शन नोट डाउन करना. क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई, आपने उसमें इमोशनली इन्वेस्ट किया, आपने इमोशनली उससे लिखा, वो फ्रीक्वेंसी गई, इस वजह से वो जो इंसान पढ़ भी रहा होगा ना उसकी एनर्जी में भी चेंज आता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग लव लेटर्स. राइट मैम. सो चैट करने से अच्छा लेटर्स. आई हैव अप्लाइड इट एवरीवेयर. यू नो दीज आर वेरी स्मॉल लिटल मोमेंट्स व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट और आपने टिश्यू पेपर लेके पेन लेके कुछ लिखा. कई लोग आई थिंक मेरी जनरेशन में तो हम सब वो टिश्यू पेपर अपने साथ रखते ही थे कि यू नो दैट यूज टू बी अ मोमेंट और टोकन ऑफ लव. व्हाट्सएप मैसेजेस तो आप दिन में 100-200 भी भेज दोगे तो कितने आप ट्रैक, कॉपी पेस्ट भी हो जाता है. लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो. और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप लिख रहे हो तो इसका मतलब है उस दो मिनट जब आप लिख रहे थे आप अपने पूरी बॉडी से इन्वेस्ट कर रहे हो, या अपनी पूरी बॉडी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, एनर्जी सब उसमें डाल रहे हो. और वही एनर्जी जब आप किसी को देते हो वो जब पढ़ता है तो वो भी वही एनर्जी फील करता है. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग लव लेटर्स. एंड आई थिंक मेरे जनरेशन में तो सब लव लेटर्स ही लिखते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स ही लिखते थे. आज की जनरेशन थोड़ी सी डिजिटल सेंट्रिक हो गई है, बट वी शुड अगेन यू नो बहुत सारी चीज़ें भी गोइंग बैक टू आर रूट्स. तो मुझे लगता है इस चीज़ में भी रूट्स में जाना चाहिए. एंड इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू राइट लव लेटर्स टू योर स्पेशल वन. एंड मैम वन मोर थिंग कि जैसे आपने बताया कि वापस अपने रूट्स पे लोग जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि ऐसा बहुत ही कम स्पीड से हो रहा है, बल्कि डिजिटल लोग ज़्यादा बनते जा रहे हैं. लाइक मैं अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे याद नहीं है, मुझे कॉलेज को लगभग 2 साल हो गए, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट बार पेन कब उठाया था. राइट तो ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे. राइट तो इससे हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? जो मेरी पहले पर्सनैलिटी थी जब मैं लिखता था तब मेरी कुछ ऐसे ट्रेट्स हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो अब चेंज हो गई हूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल. तो राइटिंग के दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं. एक होते हैं फिक्स्ड, जैसे अगर आप 5 साल पहले इमोशनल थे तो आज भी आप इमोशनल हो गए, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता. अगर आप 5 साल पहले एक्सट्रोवर्ट थे तो आज भी शायद आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, उसमें भी फ़र्क नहीं आएगा. चेंजेस आते हैं, शायद पहले आप ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे, आप पहले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए हो, तो अब वो आपकी राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा. एवरीबडी इवॉल्व्स, हर इंसान कहीं ना कहीं रोज़ इवॉल्व कर रहा है. तो अगर आपने मान लीजिए 2-3 साल पहले लिखा था तो आपकी राइटिंग के कुछ ट्रेट्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे,
और जब अब आप लिख रहे हो तो जो भी आप यू नो चेंजेस ओवरकम आपने किए हैं, क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ हमें कुछ लर्निंग देकर जाता है, कुछ हमें एक बिलीफ नया देकर जाता है, कुछ एक बिलीफ तोड़ के जाता है। तो इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, इवॉल्व होती है। तो जब आप इस बार लिखोगे तो डेफिनेटली देर विल बी चेंजेस। तो इट्स वाइस वर्सा कि आप अपनी राइटिंग चेंज करो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपकी अगर पर्सनैलिटी चेंज हो रही तो आपकी राइटिंग चेंज होगी। तो ये दोनों जो है ये गो हैंड इन हैंड है, तो ये दोनों चलता रहता है। मैम डॉक्टर्स की राइटिंग बड़ी फेमस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है उनके साथ, उनकी पर्सनैलिटी सभी की चेंज हो जाती है? नहीं, उनकी पर्सनैलिटी तो, उनकी तो राइटिंग इतनी रेगुलर होती है कि उनकी तो और ज़्यादा इन्हांस ही होती रहती है। बट एक मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो इवन एज एन एनालिस्ट मैं भी कई बार नहीं पढ़ पाती हूँ, और केमिस्ट के पास जब या फार्मासिस्ट के पास आप लेकर जाते हो तो वो बड़ी आसानी से पढ़ जाते हैं। वो तो एक बार देखेंगे देखेंगे उनको देखेंगे रख देंगे नीचे। एग्जैक्टली। तो इसके पीछे कारण ये कि देखो राइटिंग या हैंड राइटिंग का जो मुख्य जो वो है पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस है, वो है कि जो भी मैंने लिखा है मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। हमने जब एग्जाम भी दिया वो किस तरीके से दिया, अगर आपको जवाब आता था आपके दिमाग में वो जवाब बहुत सही था, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाए तो वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको वो जवाब आता है। इट्स ओनली व्हेन यू वर एबल टू कम्युनिकेट, है ना। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की जो राइटिंग होती है, जब वो टैबलेट्स लिखते हैं, जब वो मेडिसिन लिखते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इतने अवेयर होते हैं, वो इतने फेमिलियर होते हैं उन टर्म्स से कि वो अगर मान लो पैरासिटामोल का PAR भी देख लेते तो उनको समझ में आ जाता है, या वो और कोई मेडिसिन का खाली एक दो अक्षर भी देख लेते तो उनको समझ में आ जाता है ये मेडिसिन है। तो इसी वजह से मैंने ये रिसर्च की थी कि केमिस्ट जो होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ पाए। नहीं तो अदरवाइज द रीज़न कि डॉक्टर की राइटिंग्स कई बार समझ में भी नहीं आती, क्योंकि उनके पास पेशेंट्स इतने होते हैं, तो जो वो राइटिंग होती है वो अपनी ब्रेन की जो स्पीड होती है, जो उनके दिमाग में वो मेडिसिन और जो उनकी राइटिंग की स्पीड होती है उसको मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कई बार वो राइटिंग समझ में ही नहीं आती कि वो लिखना क्या चाह रहे हैं, बट वो जिसको कन्वे करना चाहते हैं वो ज़रूर समझ जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि उनका दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि उनके पास और भी पेशेंट्स होते हैं, उनको वो दवाइयाँ शायद आपको लग रहा है कि आपके लिए लिखे, वो शायद पिछले 10 दिन में वो 50 बार लिख चुके होते हैं, तो वो बार बार उनके लिए वो रेपिटेशन होता है, तो इसलिए वो माइंड बिकम्स वेरी फास्टर एंड वो राइटिंग की स्पीड से मैच नहीं होता। राइट मैम। स्कूल टाइम में मुझे याद है, बल्कि आज भी हम लोग ना मजाक बनाते थे लोगों का जिनकी राइटिंग खराब होती थी, हम कहते कि भाई तू तो डॉक्टर बनेगा क्यों, क्योंकि राइटिंग बड़ी ख़राब है, समझ में नहीं आ रही कुछ, टीचर्स भी कहते थे। तो आई थिंक हियर आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ, ये बड़ा मिथ है, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि मेरे बच्चे की राइटिंग ख़राब है या राइटिंग गुड है, तो हम सारी ज़िंदगी ना इसी में फंसे थे, गुड हैंड राइटिंग बैड हैंड राइटिंग। जब मैंने इस पर स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि ऐसे टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, गुड हैंड राइटिंग या बैड हैंड राइटिंग। जैसे मैंने अभी कहा कि राइटिंग का जो पर्पज़ है कि जो मैंने लिखा है अगर आप पढ़ पा रहे हो तो मेरा पर्पज़ सॉल्व है, ठीक है, वो राइटिंग का पर्पज़ है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन आर्ट, आप उसको डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, आप समझ पाए तो वो हो गया। तो द रियल टर्म्स आर लेजिबल हैंड राइटिंग या इलेजिबल हैंड राइटिंग, यानी कि अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपकी राइटिंग आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ कि आपने लिखा क्या है, तो वो कंसिडर किया जाता है लेजिबल राइटिंग। अगर जो आपने लिखा है मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं इलेजिबल राइटिंग, तो वो गुड और बैड की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। मैंने अगर आपको लगेगा कि आपको दिखने में लगेगा कि ये राइटिंग तो बड़ी ख़राब है भाई, और आप देखोगे कि उनमें जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही जोरदार है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है। और कई बार मैंने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग्स देखी है अपीयरेंस वाइज, जो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उनके अंदर मुझे डिप्रेशन मिला है, उनके अंदर मुझे ऐसे ऐसे ट्रेट्स मिले हैं जो जिसमें फियर से बहुत ज़्यादा वो प्रभाव है, या बहुत ज़्यादा उनके आसपास फियर्स है, उनका सेल्फ एस्टीम लो है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं तोड़ना चाहूँगी लोगों का। एक और बात है, मैंने बहुत सुना है, इवन देखा है अपने दोस्तों के साथ में, कई बार क्या होता है ना कि हमने जस्ट किसी की राइटिंग देखी, बहुत सुंदर राइटिंग, राइटिंग देख के प्यार हो जाता है कि भाई इस पर्सन से मिलना है मुझे, लेकिन जब हम मिलते हैं तो वो एकदम अपोजिट मिलता है, जैसे हमारी ना राइटिंग देख के एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि ये पर्सन ऐसा होगा अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिल्कुल अपोजिट होता है।
हाँ, तो ये तो वही वाली बात होगी, जैसे हम अगर पार्टी में भी गए हैं, कोई आया है वेरी वेल ड्रेस्ड, यू नो, वेरी क्लासी, और हम एक, ये हमारा एक्चुअली वी आर ऑल बॉर्न एनालिस्ट, तो जैसे ही कोई आता है हम अपने मन में वैसी एक छवि बना लेते हैं, अपना एनालिसिस, हमारा रडार ऑन हो जाता है, और हम एक वो कर देते कि यार ये बनना तो बड़ा क्लासी होगा वो होगा, लेकिन जब आप जाते हो, जब आप उनके साथ एक हाय हेलो करते हो, जैसे आपसे हाय बोलेंगे आपको हाय बोल के समझ में आ जाएगा कि कैसा है, तो वही वाली बात है कि वो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो आपको लगता है कि राइटिंग सुंदर है तो इंसान अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार, देखो इंसान तो सभी अच्छे हैं मैं ही बोलूँगी, बट हाँ उनकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, उनका क्या उस टाइम में माइंड सेट है, वो यू डोंट नो, मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि हमेशा अच्छा ही रहेगा या पॉजिटिव ही रहेगा, एम्पावरिंग ही रहेगा। राइट मैम, तो मैम हमने स्टार्टिंग में बात की थी 4G के बारे में, उसी में से एक चीज़ आती है कि लोग ना मतलब सिग्नेचर्स ज़्यादातर कॉपी होते हैं, जैसे जाली सिग्नेचर कहते हैं हिंदी में, किसी ने जाली सिग्नेचर किए, फेक सिग्नेचर किए, और उन्होंने ट्राई किया किसी की प्रॉपर्टी हथियाने का, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का, या फिर काफ़ी और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल है कि हम एकदम सेम सिग्नेचर किसी का कर सकें? इसके दो पहलू हैं, एक अगर मुझे आपका सिग्नेचर कॉपी करना है तो मैं अपीयरेंस कॉपी कर सकती हूँ, जो मैंने बोला, जो उसकी देखने का तरीका है, लेकिन आप उसमें जो प्रेशर डाल रहे हो ना, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जब आपने सिग्नेचर बनाया होगा तो आपने बड़ा यूनिक प्रेशर उसमें डाला होगा, जो मैं आपके प्रेशर को समझ ही नहीं पाऊंगी, मैच ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं आपके सिग्नेचर को इमिटेट करने की कोशिश करूंगी, मेरा प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो अपीयरेंस वाइज भी लगेगा, वो भी लोग मास्टर कर लेते हैं, जैसे अगर मुझे वाकई में बहुत कुछ ऐसा बड़ा कुछ ऐसा क्योस करना भी है, तो मैं कम से कम आपका सिग्नेचर 100 से 200 बार प्रैक्टिस करूंगी, तो जाके चांसेस है कि वो शायद आ जाए, अदरवाइज वो भी नहीं आता है। तो ऐसा ये लोगों को लगता है कि नहीं, सिग्नेचर तो बहुत इजीली फोर्ज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि सिग्नेचर में जो प्रेशर होता है वो आपका यूनिक प्रेशर होता है। और एक मुझे लगता है, ये मैं हाईलाइट करूँगी कि सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं यही इसी एटीट्यूड की वजह से, कि जब एक एज आती है, जब हम सिग्नेचर्स बना रहे होते हैं, सिग्नेचर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम तो बड़ा सरल सा सिग्नेचर बनाते हैं अपने नाम अपने सरनेम के साथ, उसमें से कोई एक ज्ञानी व्यक्ति आता है, हमें वो टिप्पणी देता है कि अरे तुमने तो इतना आसान सा सिग्नेचर बना दिया है, ये तो कोई भी कॉपी कर लेगा। अब हम दुविधा में आ जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, उस सिग्नेचर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक दो सर्कल डालेंगे, एक दो कुछ अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, लेकिन ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब आप अपने सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, उससे आप अपनी खुद की एनर्जीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अपनी क्लैरिटी को अपनी लाइफ से दूर भेज रहे हो, आप खुद दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सिग्नेचर के साथ गलत कर देते हैं। तो मेरे पास कितने ऐसे लोग आए हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार आपने इतना कॉम्प्लिकेट सिग्नेचर क्यों किया, आपने क्या सोच के बनाया, तो सबने यही जवाब दिया कि हमने तो बड़ा सरल सा बनाया था, फिर हमने हमको किसी ने आके बोला कि आपका तो कोई भी कॉपी कर लेगा, इतना आसान है। तो सिग्नेचर आसान हो या मुश्किल हो, फोर्जरी करना उतना ही मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा, तो ये लोगों का मिथ है जो मैं, तो जब भी आप सिग्नेचर बनाएं, ये दो तीन चीज़ें तो दिमाग में बिल्कुल ही रखें कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। विकास, अगर मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, और आपका सिग्नेचर मुझे दिखता है, तो आई शुड बी एबल टू गेस आपका नाम क्या है, सिंपल। दैट मीन्स आप अपनी आइडेंटिटी मुझे रिवील करना चाहते हो, एनर्जी लेवल पे मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी से क्लियर हैं। अब जहाँ पे आपने मुझे सिग्नेचर दे दिया, मैं आपका नाम नहीं जानती, तो हमारे मन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, तो वो हमेशा शॉर्टकट खोजता है। अभी आपने मुझे एक आसान सा सिग्नेचर अपना दे दिया, मेरे माइंड ने देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने किया, इनका नाम तो ये, कंफर्टेबल हो गया। जहाँ आपने कुछ उसमें क्रॉस कुछ ऐसे सर्कल्स डाल दिए, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट तो फोकस कर लूँगी, फिर मेरा माइंड ही गिव अप हो जाता है, तो बहुत ही अननोइंगली आपका एनर्जी लेवल में भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑल्सो मैं आपकी जो पर्सनैलिटी उससे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। एक चीज़ और आती है मैम यहाँ पे, जैसे आपने बात की सिंपल सिग्नेचर और कॉम्प्लिकेटेड की, तो अगर हमारा सिग्नेचर जो है वो सिंपल है बहुत ही,
जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम विकास है और मैं सीधे सीधा VIKAS बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ताकि साफ समझ में दिख जाए। लेकिन जैसे मैं खुद ही हूँ या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है अगर किसी का सिग्नेचर बहुत सिंपल है ना तो इसका मतलब सीधा ध्यान जाता है कि यार या तो उसको वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जिसका सिग्नेचर बहुत ही क्लासी है बहुत ही एकदम स्टाइलिश है लगता है भाई ये कोई मतलब बहुत ही सही इंसान होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई प्रोफेसर होगा या मतलब किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर होगा, तो ये मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये बनाता है ऐसा। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली हमारा माइंडसेट है, बट वही है ना कि साइंस के बारे में कोई बात नहीं करता है कि ना सिग्नेचर अपने आप में इतना पावरफुल साइंस है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप कैसे साइंटिफिकली अपना सिग्नेचर बना सकते हो। जब मैं बोल रही हूँ कि साइंटिफिकली यानी कि क्लैरिटी रखो ना, जैसे आप हो वैसे आप लोगों के सामने दर्शा रहे हो। तो ये लोगों का बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों का ऐसा माइंडसेट है, बट सिग्नेचर जितना सिंपल हो, हाँ अगर आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो पॉजिटिविटी ऐड करिए। वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, जब भी आप अपना सिग्नेचर लिखें तो सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। उससे आपके अंदर और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आता है, आप और ज़्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं अपनी लाइफ में। और जब आप नीचे एक अंडरलाइन करते हैं तो उससे आपकी जो डिपेंडेंसी है लोगों के ऊपर वो कम हो जाती है। आप खुद पे बिलीव करना शुरू कर देते हो, आप खुद पे कि मैं, आप सेल्फ रिलायंट बन जाते हो। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो कि आप एक बढ़िया सी अंडरलाइन करिए, उसको सिग्नेचर को ऊपर जाने दीजिए और अपना नाम रखिए। आपका मन है फैमिली को भी साथ में रखने का तो आप अपना सरनेम भी ऐड कर सकते हैं, तो उस वो भी अपने आप में एक क्लासिक लगेगा। इसमें आप साइज भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे लिखा है कि आप अपना सिग्नेचर को थोड़ा सा यू नो ब्यूटिफाई करोगे और कॉम्प्लिकेट करोगे लॉट ऑफ, जिसमें आपको ही दोबारा सोचना पड़ेगा बैंक जाने में यार मैंने बनाया कैसा था। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक बार तो कर दिया लेकिन उनको दोबारा वही चीज़ मैच करने में बड़ा डिफिकल्टी होती, क्यों, अगेन आपका माइंड डिफिकल्ट चीज़ों से कनेक्ट नहीं करता है। आपने एक विकास लिखा है, एक अंडरलाइन किया, वो आपका माइंड हमेशा याद रखेगा कि हाँ ये ऐसे करना है। इसलिए फिर लोगों के आपस के सिग्नेचर मैच नहीं करते क्योंकि उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेशंस उसमें खुद कर दिए। और एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ, आप खुद की लाइफ में इतनी बाउंड्रीज लेकर आ रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हो, क्यों, वाई डू हैव टू इवन गो थ्रू दैट। सिंपल रखते ना, वैसे तो लाइफ में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, सिग्नेचर तो सिंपल रख ही सकते हैं। राइट मैम, और मैंने भी कहीं पर देखा था कि सिग्नेचर हमारी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को दर्शाता है। जैसे आपने कुछ बताया कि अगर आप ऊपर की तरफ सिग्नेचर कर रहे हो तो डैट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिविटी, अंडरलाइन कर रहे हो तो क्या था, लीडरशिप क्वालिटीज आप में आती है, आप ज़्यादा डिपेंडेंट लोगों पे नहीं होते हो, खुद पे ज़्यादा बिलीव करते हो। तो ये सिंपल 3 टिप्स है जो आप फॉलो करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई सिग्नेचर चेंज करने का की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको, ऑफकोर्स अगर आपके नाम में टी आता है तो टी बार हाई ले जाओ तो आपका हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे आ जाएगा और ज़्यादा एड ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी सिग्नेचर को बहुत सिंपल कर सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको जब भी हम अपना सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर ध्यान रखें तो हम पॉजिटिविटी को ले सकते हैं। राइट मैम, राइट। बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं विकास जी कि अब तो हमारा सिग्नेचर बन गया, अब इसको कैसे चेंज करें, अभी तो चेंज होगा नहीं। तो ठीक, अगर आप नहीं भी चेंज कर सकते तो थोड़ा सा उसको डायरेक्शन तो ऊपर लेके जा ही सकते, अंडरलाइन कर ही सकते। तो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं इसके बिना काम चलेगा नहीं, वहाँ पे आप कर सकते हैं कंटिन्यू। बट जहाँ पे जैसे मानो कोरियर वाला आया है, आपको वहाँ पे साइन करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पे कोशिश करिए कि आपका जो नाम है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अंडरलाइन आप वहाँ पे कर ही रहे हैं। तो उससे वो इसके पीछे बहुत ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए आप जब टॉपिक में भी आएंगे, अब जब हम बात कर ही रहे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका नाम होता है ना वो आपका सबसे बड़ा अफर्मेशन होता है। वो आप अगर आपके नाम का कोई आपका नाम से आपको पुकारता है तो ऑटोमेटिकली आपका ना ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका सबसे बड़ा वो पावरफुल वर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि वो इतना पावरफुल जो वर्ड है आपके लिए है, लोग अपना नाम लिखवाते हैं, अपने माता पिता का नाम टैटू करवाते हैं, तो कितना नाम में पावर होती है। तो आप सोचिए कि जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं अगर आप उसको पावरफुल रखेंगे तो कितना ही आपको लाइफ में उस चीज़ की पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपका सिग्नेचर पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि जो सिग्नेचर होते हैं या फिर हमारी हैंडराइटिंग होती है, ये हमारी काफ़ी सारी चीज़ों को दर्शाती है। मैंने बहुत सुना है,
बड़े बड़े लीडर्स से, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स से, जो ये कहते हैं कि आपके जो भी लाइफ गोल्स हैं ना, उनको आप लिखना स्टार्ट करो। लाइफ गोल के बाद लिखो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, तो हमारा ये गोल हो गया, उसके बाद लिखो, उससे पहले लिखो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मिड टर्म गोल्स क्या हैं, क्या प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं। तो अगर सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप लिखो, तो डेफिनेटली इट शुड वर्क। क्योंकि बोलना बहुत ईजी है, लाइक मैं यहाँ पे बैठा बैठा कह दूँ कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूँ, बोलना बहुत ईजी, मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को डेली लिख रहा हूँ या फिर कहीं पर मैं लिख के अपने सामने रखा हुआ है, तो इट विल चेंज माई माइंड सेट, इट विल वर्क ऑन माई सबकॉन्शियस माइंड एंड इट विल डेफिनेटली वर्क। सो मैम, हैंड राइटिंग में या फिर जो हम लिखते हैं उसकी क्या एक्यूरेसी होती है, या फिर मैं कहूँगा कि कितने चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज़ होगी सच? ठीक है, तो मैं इसको बोलती हूँ 10x मैनिफेस्टेशन की। एक तो कभी सोच के देखना कि जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, जिसमें आप मैक्सिमम जो फेमस टेक्निक्स है, पॉपुलर टेक्निक्स है, जैसे आपने बोला गोल्स लिखना, गोल सेटिंग, या एफर्मेशंस को लिखना, या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, या आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग है 555, 333, 363, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है जिसमें बोलते हैं कि आप इन सबको लिखो। कोई भी कोच, कोई भी आपको यूट्यूबर ये आके नहीं बोलेगा कि जो 555 टेक्निक है ना, इसको एक बार लिख के कॉपी पेस्ट कर लेना। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, उसके पीछे अब हम कारण समझेंगे कि जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने जब पेन उठाया, पेपर लिया, जब मैं उसमें लिख रही हूँ, तो पहले तो मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मेरी जो हाथों से मेरी एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है, और जो मैं लिख रही हूँ मेरा फोकस उसमें है। जब आप टाइप कर रहे हो तो ना आपका फोकस कहाँ होता है, अगर मैं अपना गोल सेटिंग कर रही हूँ तो मुझे वो क्लैरिटी तब मिलती है जब मैं लिख रही होती हूँ। इसी तरीके से स्कूल में भी जब हमें कुछ याद करना होता था तो कैसे लिख लिख के याद करते थे, राइट मैम? एग्जाम टाइम में मुझे याद है हमारे टीचर्स कहते थे याद हो गया, हाँ हो गया, हमें लगा वो सुनेंगे या फिर बस अपना बुक बंद करो घर जाओ, नहीं, वो कहते बैठो नीचे या साइड में बैठो, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके जहन में, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप गोल्स लिख रहे हो, अब आपने अपना 3 महीने का गोल लिखा, 6 महीने का गोल लिखा, 3 साल, 10 साल का, अब जब लिख रहे हो ना, आपके ऑटोमेटिकली माइंड में उसकी विजन क्रिएट हो रही है। आप ऑटोमेटिकली एक सबकॉन्शियस को ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई ये मेरे को अचीव करना है, आपकी बॉडी में वो चीज़ें ऑब्जॉर्ब हो रही है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू राइट या हाउ यू जस्ट कॉपी पेस्टेड। तो इसके पीछे ये साइंस होता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हो। मैं इसको बोल रही हूँ, आप अपने अल्फाबेट्स करेक्ट करो, राइट वे ऑफ राइटिंग को समझो कि साइंटिफिक वे क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई होगी, और उस फ्रीक्वेंसी से जब आप लिखोगे तो आपके रिजल्ट 10 टाइम्स फास्टर हो जाएंगे। तो एक तो बिल्कुल ये टेक्निक वर्क्स लाइक मैजिक। इमेजिन कि जब आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी कर रहे हैं, जब आप सोने से पहले 10 चीज़ें हैं जिसको लेकर आप ग्रेटफुल हो, आप लिखते हैं, तो आप अपने पूरे इमोशंस उसमें डाल रहे हो। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी जो सिस्टम होता है ना, वो अलाइनमेंट में आ जाता है, आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, और फिर आप उससे रिलेटेड अपनी लाइफ में एक्शंस भी लेने लगते हैं। राइट मैम, इसी बीच में मैम एक और चीज़ मेरे को ध्यान आ रही है, हम सबके ना कोई आइडल्स होते हैं, हम किसी ना किसी के फैंस होते हैं, हम किसी की तरह बनना चाहते हैं। सो कोपिंग देयर हैंडराइटिंग स्टाइल और देयर हैंडराइटिंग इज अ सॉल्यूशन कि हम उनके जैसा बन सकते हैं? ठीक, काफ़ी लोग ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय कुमार का, अब मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मेरे को कहीं से पता लगा कि भाई हैंडराइटिंग कॉपी करो, मतलब हैंडराइटिंग हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, और अगर इस हिसाब से काफ़ी लोग लगाएंगे अंदाज़ा कि अगर हैंडराइटिंग सेम है तो पर्सनैलिटी भी सेम होनी चाहिए। सो इज इट अ करेक्ट वे? नॉट द राइट वे ऑफकोर्स, क्योंकि पहली चीज़ तो समझते हैं कि ये भी एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। अगर आपका अक्षय कुमार फेवरेट है, आप उनकी राइटिंग भी लेकर आते हैं और आप उनकी राइटिंग कॉपी भी करने की कोशिश करिए, 10 मिनट तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, 11वें मिनट आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी है ही नहीं, वो उनकी पर्सनालिटी, वो उनका प्रेशर है, उनका साइज है। आप 10 मिनट इमिटेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, 11वें मिनट वापस अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो आपको बिल्कुल चाहिए कि मुझे अक्षय कुमार जैसे बनना है, आप 100 बार 200 बार उन्हीं की राइटिंग लिख रहे हैं, सब कर भी रहे हैं, तो ये चीज़ आपको, ये अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है।
आप उनकी पर्सनालिटी का वो पहलू देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी के और भी ऐसे पहलू हैं जो आप शायद नहीं जानते, जो नोइंगली अननोइंगली जब आप किसी की पर्सनालिटी को कॉपी करते हैं तो पॉजिटिव्स तो आते हैं लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी ट्रेट्स आते हैं जो शायद आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए होंगे, शायद ऐसे भी ट्रेट्स आएंगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो आपको वो चॉइस करना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप पूरा किसी को मॉडल करोगे ना तो उसके पॉजिटिव नहीं, उसके सारे एट्रीब्यूट्स आप लोगे। तो आप अपने आप से, क्योंकि गलती मैं कर चुकी हूँ, देयर वाज वन टाइम जब मैंने सीखा था हैंडराइटिंग एनालिसिस और मुझे भी था कि नहीं मुझे अपने मेंटोर के जैसे बनना है और मैंने काफ़ी चेंज किया, बट आई रियलाइज कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी नहीं रही। तो मैं ये गलती कर चुकी हूँ, तो और मुझे तब वो समझ में आया कि नहीं, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी यूनिकनेस इन सब चीज़ों से बढ़कर है, मैं उसको नहीं खो सकती। हाँ, मैं आपसे पॉजिटिव चीज़ें ले सकती हूँ, आपके ट्रेड्स को, लेकिन मैं हर चीज़ शायद आपका पॉजिटिव ट्रेड भी मेरे लिए काम ना करे। अब आप एंथुजियास्टिक हो, आप सुबह 4 बजे उठते हो, शायद आपको वो अच्छा नहीं लगे क्योंकि आपकी बॉडी इतने टाइम से यूज टू नहीं है सुबह 4 बजे उठ के 12-12 घंटे काम करना। एकदम से जब बॉडी में वो चेंज लाओगे तो बॉडी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो वो चॉइस, वो अवेयरनेस में रह के करना जब भी करना। राइट मैम, और अगर मैं बात करूं अपनी पॉडकास्ट जर्नी की जी, तो अक्षय कुमार जो हैं वो एक्टर, उनका मैं फ़ैन हूं इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माय पॉडकास्टिंग स्किल और माय पॉडकास्टिंग जर्नी, आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर अलावादिया भाई, एंड यू कैन से कि उन्हीं को देख के मैंने स्टार्ट किया, वो मेरे आइडल हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। फिर भी मैम आपने बताया कि हाँ दिस इज़ नॉट गोना वर्क, बट आई विल एक्सपेरिमेंट Yeah. कि मैं उनकी हैंडराइटिंग कैसे उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, देखते हैं कैसा रहता है। मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आप यूनिकनेस अपनी खोगे और आप खुद भी इतने अच्छे हो, एंड हमेशा यू नो आप कॉपी करने की भी कोशिश करोगे तो वो 11वें मिनट तक ही चलेगा, 10 मिनट तक ही, 11वें मिनट तक फिर आप वापस अपनी पर्सनैलिटी में आ जाओगे। तो ये है, ये हमेशा समझना बहुत ज़रूरी है कि जब राइटिंग में आप कोई चेंज ला रहे हो ना, तो वो ये चेंज इसलिए नहीं लाना कि मेरे लिए अच्छा होगा। कई बार एंथुजियाज्म भी आपके लिए बैकफायर कर जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म भी। तो हम बोलते हैं राइटिंग में एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो जब भी आप वो चॉइस लो, वो बहुत इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए कि क्या मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज, विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फेस करने को तैयार हूँ कि नहीं हूँ। अगर मन में आता है या आंसर आता है कि येस, देन गो अहेड विद इट। दूसरी चीज़ क्या है ना मैम, हर किसी के ना दो साइड होते हैं, एक तो वो साइड होती है जो सबको दिखाई दे रही है, एक वो साइड होती है जो वो मिरर में देखता है या खुद को ही पता है। तो अगर हम किसी की भी हैंडराइटिंग को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो हम मान लो हमने कर भी ली हमने कर ली एंड वी आर एबल टू गेन इज पर्सनैलिटी, तो डेफिनेटली उसमें कुछ नेगेटिविटी भी होंगी, वो हमारे अंदर आ जाएंगी। राइट मैम, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है जो हो सकते हैं। मैं नेगेटिविटीज भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी उनके कुछ ट्रेट्स है जो आपकी कंडीशनिंग से मैच नहीं करेंगे। राइट जो उनके पॉजिटिव चीज मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है, जो आपकी कंडीशनिंग रही है, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, आप जिस सर्कल में रहते हो, शायद वहां पे वो चीज नहीं काम करेगी। आप जिस आप जिस फैमिली से आते हो, जिस कल्चर से आते हो, वो वहां पे शायद एप्लीकेबल वैसा ना भी हो। तो इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगी, बट मैं रेदर ये बोलूंगी कि वो अपनी उनकी जर्नी रही है, आपकी भी अपनी जर्नी रही है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर जर्नी एंड बी विद इट। ठीक है, मैं उनसे ये 10 चीज़ें सीख सकती हूँ कि हाँ, ही गेट्स अप ऑन टाइम, ही इज समवन यू नो हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मैं वो चीज़ें ले सकती हूँ और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। शायद मैं ये भी कर सकती हूँ कि चलो वो पॉडकास्ट करते हैं तो मैं कैसे पॉडकास्ट बनाऊँ, वो स्किल्स आप ले सकते हो। बट जब आप पूरी पर्सनैलिटी को रेप्लीकेट करोगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, वो आपके लिए शायद बैकफायर कर जाए, शायद ना भी करे, बट वो क्यों लेना है। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी यूनिकनेस, अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर दो। वो तो ओरिजिनलिटी तो मेन वो है, वो आपकी एनर्जी है, यू शुड बी विद इट। राइट मैम, वन मोर थिंग, लाइक जैसे काफी फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज है काइंड ऑफ, तो उनके सिग्नेचर ना बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, ऑटोग्राफ्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, किसी भी टैटू शॉप के बाहर या टैटू शॉप के अंदर लोग टैटूज बनवाते हैं, काफ़ी सारे सिग्नेचर हैं। तो ऐसा देखा जाए तो मैम बहुत इजी है उनका सिग्नेचर कॉपी करना। आई नो कि सिग्नेचर कॉपी करना और हैंडराइटिंग कॉपी करना, मैं समझ चुका हूँ, इज़ नॉट अ ईजी थिंग, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट
क्या ये पॉसिबल है कि जो उनका सिग्नेचर कर पा रहा है किसी भी फॉर्म में, सो ही कैन डू द सिग्नेचर ऑन हिज बैंक पेपर्स, ऑन हिज प्रॉपर्टी पेपर्स और एनीथिंग, इज इट अ हार्मफुल थिंग? एक्चुअली कैन इट बी? It is a harmful thing, but the good part is most of the celebrity signature that you see, which is available, is not even real. Oh. So, अगर वो autograph भी देते हैं, तो definitely I have seen most of the autographs that you see are not actually real signature. Actually, many times they ask, okay, what's your name? हाँ. वो आपका ही नाम लिख देते हैं. आपका ही नाम लिख देते हैं. तो ये जो celebrities होते हैं, उनकी tactic होती है, वो कभी भी अपना real signature नहीं देते. उनका पता ही नहीं है. उनका पता ही नहीं. जो हम देख रहे हैं इतने सालों से, वो उनका signature. उनका सिग्नेचर ही नहीं, ये होता है कि जैसे मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया, तो क्योंकि आपने लिया तो मैंने शायद लिख दिया कि हाँ रणबीर कपूर, या मैंने अपना नाम लिख दिया, बट वो कई बार उनका सिग्नेचर ओरिजिनल भी नहीं होता है. तो इसलिए जब हम एनालिसिस भी करते हैं तो हम सिग्नेचर जनरली पर्सनालिटीज का नहीं करते, क्योंकि जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो आई डोंट एक्चुअली ट्रस्ट कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि वो ऑटोग्राफ तो वो ऐसे नहीं देते, आई एम वेरी श्योर. ठीक है, तो उनके मोस्ट ऑफ द सिग्नेचर्स जो आप देखोगे वो उनके नहीं होते, वो सिर्फ अपना नाम ही लिखते हैं या थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर देते हैं, कुछ हार्ट बना दिया, कुछ नीचे अंडरलाइन कर दिया, वो उनका नहीं होता है. सो दैट इज वन थिंग. राइट मैम, सो वन मोर थिंग हियर विच अराइजेस इज की एक्यूरेसी. लाइक आप एनालाइज कर रहे हैं किसी की राइटिंग को या उनकी पर्सनैलिटी को या फिर किसी भी चीज़ उनके सिग्नेचर को, तो उसमें कितनी एक्यूरेसी है? सो एज पर माई रिकॉर्ड, मेरे को मुझे जितनी भी एक्यूरेसी मिली है, इट हैज़ ऑन एन एवरेज 90-95% एक्यूरेट होता है ये साइंस. इतना हाई होता है एक्यूरेसी उसका. इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है कि 90-95% एक्यूरेसी होती है. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने एनालिसिस किया है और द पर्सन हैज़ नॉट अग्रीड विथ मी, तो हमेशा ये होता है कि अगर वो समझ नहीं पा रहे तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो उनके लिए भी ब्लाइंड स्पॉट है. अगर मैंने बोल दिया कि अरे आपके ना स्वभाव में ये चीज़ है कि आप ज़िद्दी हो, लेकिन एक ज़िद्दी इंसान कभी अपने आप को ज़िद्दी, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने कभी अपनी ज़िद्द दिखाई है, मैं तो जो चाहता हूँ वो हो जाता है, इसमें ज़िद्द दिखाने वाली क्या बात है. तो लेकिन राइटिंग, एज आई सेड, राइटिंग में हमेशा जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो निकल कर आती है. तो अगर राइटिंग में दिख रहा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर होगा. तो ये चीज़ होती है एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट एनालिसिस. तभी जब हम रिलेशनशिप के लिए भी करते हैं या हम पर्सनल कंसल्टेशन भी करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पीपल आर जस्ट ब्लोन अवे कि अरे आपको कैसे पता कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में. मैंने बोला मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपकी राइटिंग मैंने 5-10 मिनट पहले देखी होगी, और वो पता लग जाता है. एक मैम, आपकी रील्स में, आपके शॉर्ट्स में, आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो आपका है, वहाँ पे मैंने ना काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो रिलेटेड हैं स्विच वर्ड्स से. जी, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्विच वर्ड होता क्या है. ठीक है, जैसे हमने अभी बात की एफर्मेशन की. राइट मैम, एफर्मेशन थोड़े बड़े फ्रेजेस होते हैं, जैसे आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ लविंग पर्सन, या इस तरीके से वो पूरे फ्रेजेस होते हैं. स्विच वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, वो एक ही शब्द होता है. जैसे जितने भी मंत्रास हैं वो सारे, जिसको हम बोलते हैं बीज मंत्रा, इंग्लिश में बोल सकते हैं स्विच वर्ड, तो वो बीज मंत्र का काम होता है. वो आपको जब आप चैंट करते हो, आप गायत्री मंत्र चैंट करते हो, आप बजरंग बाण चैंट करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, आपके वीडियो में भी लास्ट बोला गया है, तो वो अपने आप में इतने पावरफुल मंत्रास का कॉम्बिनेशन होता है जो वो पूरा बनता है. स्विच वर्ड भी उसी तरीके से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं. और ऐसी रिसर्च की गई है कि हर इशू का, हर तरीके का कोई ना कोई स्विच वर्ड दिया ही गया है. जैसे एक हम मास्टर स्विच वर्ड बोलते हैं, जो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने एंजाइटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए बोल सकते हैं, वो है टुगेदर डिवाइन. आप जब भी इसको लिखेंगे, जब भी हम मन में चैंट भी करेंगे, या कई बार मैं बोलती हूँ कि अपने लेफ्ट बॉडी में उसको लिख दीजिए, लेफ्ट अपर बॉडी में आपने लिख दिया टुगेदर डिवाइन, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो शिफ्ट फील होगा आपकी एनर्जी में. आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे. आपके किसी के साथ कोई डिसएग्रीमेंट चल रही है, कुछ बहस चल रही है, टुगेदर डिवाइन मन में चैंट करो, या अगर आपको बरकत चाहिए मनी में, तो आप टुगेदर डिवाइन लिख कर
उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लो, तो आप सोचो कि उस वर्ड की इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी है कि जब भी आप उसका उच्चारण करते हो या जब भी आप उसको लिखते हो या आपका विजन बोर्ड बना, आपने उस पर टुगेदर डिवाइन लिख दिया, तो यानी कि उस आपके गोल्स को भी उस वर्ड्स की पावरफुल फ्रीक्वेंसी जा रही है। तो स्विच वर्ड ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, हेल्थ स्पेसिफिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं। जैसे एक और बहुत ब्यूटिफुल स्विच वर्ड है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो ब्लूबेरीज आप लिख लीजिए। अभी अगर आप इसके लॉजिक में जाएंगे तो देयर इज नो लॉजिक, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर मसारू इमोटू ने, अवेलेबल है ऑनलाइन। उन्होंने एक रिसर्च की थी, उन्होंने दो ग्लास लिए थे कांच के, उसमें पानी डाला, एक जो मतलब एक कुछ ऐसे शब्द लिए जैसे पॉजिटिव, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, और एक था जिसमें सारे नेगेटिव वर्ड्स थे, यू फूल, यू आर स्टूपिड, यू नो, यू आर वर्थ नथिंग, और ये सारे जो ग्लासेस थे उनको उन्होंने फ्रीज कर दिया। अब जब दूसरे दिन उन्होंने देखा, ऑफकोर्स पानी बर्फ़ बन गई होगी, तो जो पॉजिटिव वर्ड्स थे उनकी जो बर्फ़ बनी थी ना, उसमें आप जब देखो पानी को कभी जमाओगे ना तो बहुत अच्छी क्रिस्टल आपको दिखती है, तो पॉजिटिव वर्ड्स के जो क्रिस्टल फॉर्मेशन थे बहुत ब्यूटीफुल थे, क्लियर थे, और जहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए ना वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन बहुत ही डिसओरिएंटेड थे। तो कहने का मतलब है कि हर शब्द में पावर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसी वजह से कभी हम नॉर्मली भी आप देखना, अगर आप कोई बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो रही होती है तो आपको वो एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है यार मैं निकलूँ यहाँ से, क्या यहाँ पे ये चल रहा है। और वही वहाँ पे कभी मंत्र चैंटिंग हो रही है या कहीं पे कोई हवन चल रहा है, मानो सुंदरकांड चल रहा है, आप वहाँ पे बैठते भी हो तो आपको लिटरल मीनिंग भी नहीं समझ में आएगा, फिर भी आपको बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी वाइज बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से ये स्विच वर्ड्स काम करते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला हेल्थ के लिए ब्लूबेरीज हो गया, टुगेदर डिवाइन इज मास्टर स्विच वर्ड, ऐसे मनी के लिए होता है काउंट, तो अगर आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप बोल सकते हैं ऐड काउंट नाउ, यानी कि यूनिवर्स कैसे भी मेरी लाइफ में अभी आप मनी ऐड करो, ऐड काउंट नाउ, ऐड काउंट नाउ, तो आप ये कर सकते हो ऐड काउंट नाउ। तो इस तरीके से बहुत सारे स्विच क्या करना है, इसका लिख कर कहीं पे रखना है? हाँ, आप लिख कर के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख कर अपने लैपटॉप में चिपकाया हुआ है। और पानी जो होता है, वाटर इज द स्टोरेज ऑफ, उनमें सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज होता है, तो आजकल बहुत सारी वाटर बॉटल पे आप ये स्विच वर्ड्स एफर्मेशंस अपने हाथों से लिख कर चिपका दीजिए, तो सुबह जब आप वो पानी पी रहे हैं आप वही हीलिंग वाटर पी रहे हैं, जिसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपके मनी गोल्स भी हैं, आपको जो गोल्स अचीव करने एफर्मेशन से वो भी है, और आप वही पानी सुबह पी रहे हो, तो पानी सबसे ज़्यादा उस वर्ड्स को स्टोर करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कितना सही सॉल्यूशन है मैम, कितना इजी। हाँ, इट इज़ वेरी इजी, वेरी एफर्टलेस, क्योंकि आजकल सब वही सॉल्यूशन खोज रहे हैं कि जहाँ पे हमें एफर्ट डालना ना पड़े। हाँ। एक बार कर दिया और बस वो पानी पीते रहो, आपको इमीडिएटली वो शिफ्ट फील होगा। वही कहते हैं ना लोग ना, दूसरा हर चीज़ में ढूंढते हैं कि यार नहीं हुआ तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर अगर हो गया तो। हाँ। नहीं हुआ तो आपका कोई नुकसान तो नहीं है। ना आपका पैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हो गया तो आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है जो सोल्व आउट हो जाएंगी, भले ही वो किसी भी रीजन से हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करेगा। इट विल ऐड सम एनर्जी, सम वाइब्रेशंस, सम फ्रीक्वेंसीज, राइट मैम? या, एंड दिस यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे क्लीनिंग, डे टू डे जो आपकी कुकिंग होती है, आप अपने घर के बच्चों को दो, अपने पेरेंट्स को दो, लाइक आई गिव इट टू माय पेरेंट्स, उनके वाटर पे वो लिख कर, उनकी वाटर बॉटल में लिख के, तो व्हाई नॉट, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु शेयर देयर रिजल्ट्स विद मी, कि उनको कैसे एंजाइटी कंट्रोल हो गया, कैसे मैनिफेस्टेशन हो गया, कैसे ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत सिंपली सिंप्लीफाइड वे में। राइट मैम, आपको कैसे पता लगा कि हैंडराइटिंग एनालिसिस कुछ होता है? हाँ, और आप इस चीज़ इन चीज़ों में आई? ठीक है, तो मेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही, तो थ्रू आउट माई चाइल्डहुड मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। सुंदर जो मैं अब बोल रही हूँ, मुझे बहुत, आई थिंक मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट हैंडराइटिंग के लिए। तो एक बार ऐसे ही मैंने देखा, वो नोटिफिकेशन था कि कुछ हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर कोई सेमिनार है, और मुझे वही लगा कि चलो जाते हैं, कुछ गिफ्ट उफ्ट मिलेगा, कॉम्पिटिशन जीत कर आएंगे। अब जब वहाँ पे मैं गई तो मुझे पता चला कि अच्छा, दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ ग्रेफोलॉजी। आई एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम एंड सिंस देन इट्स बीन 17 इयर्स, एंड मुझे उसी दिन रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपनी लाइफ में यही करना है,
कि मुझे ये चीज़ को तो मैं अपनी लाइफ में कभी अलग नहीं करूँगी। और मैंने वो कोर्स किया, फिर मैंने अपनी रिसर्च काफ़ी की, लोगों की हैंडराइटिंग एनालाइज करनी शुरू की, और तब तो आई थिंक प्लस टू और सो। तो उसके बाद जो मैंने करियर चॉइसेस भी की वो साइकोलॉजी में ही की, मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे ये मिला है अपॉर्चुनिटी तो आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ इट। और मैंने इसी के बाद फिर हिप्नोसिस किया, लाइफ कोचिंग की, काफ़ी चीज़ें मैं आगे करती रही जो कहीं ना कहीं माइंडसेट से रिलेटेड है। बट मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी ग्रेफोलॉजी को, क्योंकि उसने मुझे सोर्स बताया, वो हमेशा मेरी सोर्स रहेगी, जिसने मुझे आइडेंटिटी दी कि आई एम अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नाउ। तो उसकी वजह से मैंने आगे और भी मैं सीखती गई, एंड आई हैव सो फार मुझे लगता है मैंने 11 से 12,000 हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स अभी तक देखे हैं, लोगों के सिग्नेचर्स डिज़ाइन करवाए हैं, काफ़ी किए। अब तो मैं मुझे लगता है काउंट भी नहीं होगा, इतने सैम्पल्स देख चुकी हूँ मैं। तो डैट हैज़ बीन माई जर्नी। बट हाँ, ये एक चीज़ तो मुझे हैंड राइटिंग ने ज़रूर दी। मुझे याद है जब मैं पहली बार सीख कर आई थी तो मैंने सबसे पहले अपनी मदर के ऊपर ही अप्लाई किया था, और मुझे पता चला था कि नहीं, ये तो ऐसी ही है, ये ऐसी रहेंगी। उससे पहले मैंने अपनी एनालिसिस की थी, जहाँ मैं बता रही हूँ खुद के ऊपर। तो जब मैंने अपनी हैंड राइटिंग एनालाइज की तो मुझे पता चला, एक तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे उस टाइम ही लगता था क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहते थे। आई यूज टू बी एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। द वे आई एम स्पीकिंग आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक अगर वो वाली दिव्यदीप होती तो। तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई, मैंने चेंजेस भी किए, कुछ पॉजिटिव भी हुए, कुछ नेगेटिव भी वर्कआउट किए। बट वो पूरी जर्नी में समझ में आया कि नहीं, ये साइंस तो काम करता है। राइट मैम। सो एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपने अपनी जो मोम है उनके ऊपर ट्राई किया, देन आफ्टर आपने खुद के ऊपर ट्राई किया। राइट मैम। मैम यहाँ पर ना मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, लाइक जस्ट अ सेक, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था अभी मेरे दिमाग में। क्या था बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया पॉइंट था। हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले कि मैंने अपने ऊपर किया, कुछ पॉजिटिव भी हुआ। हाँ, याद आ गया। राइट। तो मैम इसी जर्नी में, जैसे आपने कहा कि आपने कई हजारों सैंपल्स आप गोन थ्रू किया है आपने, तो उसमें कभी आपने किसी को ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही कुछ भी बता दिया हो, कभी हुआ ऐसा? कुछ भी बता दिया ऐसे ही कि चलो ठीक है तुम ट्राई करो, और वो चीज़ काम की हो, ऐसा कभी हुआ है? कई बार होता है क्लाइंट हमें इरिटेट भी कर देते हैं, कहीं पीछे लग जाते हैं एकदम। नहीं, ऐसा तो खैर मैंने कभी नहीं किया कि क्लाइंट को ऐसे बताया, मैंने हैंडराइटिंग ज़रूर देखी है, और जब भी किसी को सोल्यूशन दिया है उन्होंने अगर रिलीजियसली उसको फॉलो किया है तो उनको रिजल्ट्स ज़रूर मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, और बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे सटल तरीके से मिले। उन्होंने 40 दिन बाद मेरे पास मैसेजेस आए कि वी डिडंट इवन रियलाइज़ कि वर्क करता जब पहले दिन शुरू किया था, बट इट हैज़ वर्कड फॉर अस, इट इज़ वर्किंग फॉर अस, हमारे बिजनेस खुल गए, हमारा ये रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो गया। तो हाँ, बट मेरी जर्नी में एक इंसिडेंट बहुत अच्छा था। आई थिंक आई वॉज इन दिस लाइव इवेंट और मैं किसी की हैंड राइटिंग एनालाइज करी थी, और 5 मिनट में मैंने उनको एनालिसिस दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि आई एम मैरिड फॉर 15 ईयर्स, मेरी 15 साल की शादी, मेरी बीवी को भी उतना नहीं पता होगा जितना आपने मुझे 5 मिनट में बता दिया मेरे बारे में। तो वो एक था। एक और, कई बार ऐसे मैं गई हूँ डॉक्टर्स के पास तो मैंने उनकी हैंड राइटिंग देखी तो कई डॉक्टर्स ने तो मुझसे फीस भी नहीं ली ये सोच के कि नहीं आपने इतना कुछ मेरे बारे में बता दिया। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो मेरे साथ तो बहुत ही रहे हैं कि पीपल हैव नॉट चार्ज मी। जब कभी ऐसे मूड आया था कि आई हैव टू, मुझे जॉब करनी है, तो मैं इंटरव्यू देने आती थी और वो जो इंटरव्यू होता था उसका एनालिसिस करके आ जाती थी। तो मेरे साथ ऐसे भी काफी इंसिडेंट्स हुए। तो मेरे को कभी ऐसे में जॉब आपको इजीली मिल जाती थी? बिल्कुल मिल जाती थी। तो ये सारी चीजें, तो मैंने आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सोशल मैग्नेट कि जहां पे इंट्रोडक्शन है वहां पे लोग अपनी हैंडराइटिंग लेकर आए, तो जो लोग बोलते भी है ना कि हम लिखते नहीं है तो वो भी अपनी हैंडराइटिंग लेकर आते। आप मैम कैसे कहती थी जो इंटरव्यूअर है उनको, कैसे कहते थे आप लिख के दिखाओ कुछ? नहीं, मैं सीधा बोलती थी, जैसे मेरी प्रोफाइल में तो रहता ही था, आपके सीवी में रहता था, सीवी में रहता ही था, तो वो पूछते थे ये क्या है, तो मैंने बोला आई कैन टेल अबाउट योर पर्सनालिटी लुकिंग इनटू राइटिंग। वो बस बोलने की देरी होती थी, वो पहले अपनी राइटिंग। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया, बच्चों की राइटिंग सब बुला लिया, कहते ये सब करके जाओ, जॉब इंटरव्यू होता रहेगा, होता रहेगा, वो हो गया, हो गया, वो हो गया है, ये आप ये चीज़ करो, हाँ ये करके जाओ। तो ये दिस हैज बीन अ बूम। तो बहुत अच्छे से, और रिलेशनशिप में जैसे नाउ ऑल्सो व्हेन आई हायर फॉर माय टीम आई ऑलवेज चेक देयर हैंडराइटिंग कि कैसे,
जैसे आजकल बहुत सारी MNCs हैं जो हैंडराइटिंग एनालिस्ट को भी यू नो दे आर रीचिंग आउट टू देम कि हम इस कैंडिडेट को कर रहे हैं, आप बताओ कि ये एप्लीकेंट कितना सूटेबल है कि नहीं इस जॉब के लिए. तो राइटिंग से पता चलता है कि उनकी क्रिएटिव फील्ड, उनकी क्रिएटिव सेंस कैसा है, उनका मैनेजर स्किल्स कैसा है, या किसी अगर आप हाई पोस्ट के लिए करें तो उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, वो सारी चीज़ हैंडराइटिंग से पता कर सकते हैं आप. राइट मैम. एक और बात मैम, जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी सारी बात की, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, लेकिन अगर कोई भी पर्सन है जो हमारी ऑडियंस में से जो जाना चाहता है सेम फील्ड में, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, सो हाउ कैन ही एंटर दिस कैरियर फील्ड, और इस फील्ड में कैरियर कैसा है, पैसा कितना है? बिल्कुल. तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत इस फील्ड का बेनिफिट ये है कि आपको बहुत एक सोर्स नहीं, आपके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं. आप पर्सनल कंसल्टेशन करिए, आप कपल कंपैटिबिलिटी करिए, आप लोगों को हीलिंग करवाइए, थेरेपीज दीजिए, आप इसमें हीलिंग थ्रू हैंडराइटिंग भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स कर सकते हो, लाइक आई हैव डन ऑल यू नो वैलेंटाइन डे इवेंट्स, सोशल इवेंट्स. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आजकल हायर कर रहे हैं ग्रेफोलॉजिस्ट को कि उनके जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसमें ग्रेफोलॉजिस्ट और आके हैंडराइटिंग एनालिसिस करें. आप स्पीकर बन सकते हैं, आप ग्रेफोलॉजी कोच बन सकते हैं, हैंडराइटिंग कोच बन सकते हैं. तो द ब्यूटी ऑफ दिस करियर इज़ कि आपके पास बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हो. सिर्फ एक पर्सन कंसल्टेशन नहीं, आपके पास बहुत सारे वेज हैं. आप MNCs को रीच आउट कर सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू यू कि ये हमारे पास कैंडिडेट प्रोफाइल्स हैं, आप हमें शॉर्टलिस्ट करके बताओ कि कितने एप्लीकेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे. तो इस तरीके से मैंने भी हर टाइप की कंसल्टेशंस की है. आप लोगों के सिग्नेचर डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकते हो, सिग्नेचर करेक्शन में हेल्प कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है. और अगर किसी को ग्रेफोलॉजी सीखनी है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स से सीखें. देखो YouTube में तो वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एक प्रॉपर कोर्स करने से क्या होता है, आपके पास एक रियल गाइडेंस होता है, एक मेंटोर होता है, आप अपने सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. नहीं तो YouTube से सीखने से क्या होता है कि आप ग्रेफोलॉजी को तो नहीं, बट आपका इंटरप्रिटेशन उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत अलग हो जाता है. तो मुझे लगता है कि एक तो ये स्किल होगी कि पहले आप सीखो कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, दूसरा उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. जैसे मैंने, अगर आपकी राइटिंग मेरे पास आई हो, मुझे दिख रहा है कि यू आर समवन हु इज़ अ लायर, लाइन लू पा रहे हैं, अब बिकॉज यू हैव पेड मी आई कैन नॉट गो एंड स्ट्रेट अवे से अरे तुम तो झूठ बोलते हो, तो दैट पर्सन विल लूज दैट ट्रस्ट. तो वो भी एक स्किल होती है कि हाउ डू आई कन्वे दिस टू यू वेर आपको भी ये ना लगे कि यार मैं तो झूठ बोलता हूँ. क्योंकि आपको कोई भी पर्सन को डिसएम्पावर्ड तरीके से नहीं छोड़ना है. कोई भी मुझे डायरेक्टली बोलेगा भाई तू झूठा है, बुरा लगेगा. तो वो भी एक अपने आप में स्किल है कि आप उन ट्रेट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हो, जो कि मेरा इंटायरली फोकस होता है. तो मेरे खुद के भी कोर्सेज हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड 17 ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई ट्रेन पीपल हाउ टू बी अ प्रोफेशनल ग्रेफोलॉजिस्ट. आप कैसे ग्रेफोलॉजी सीख कर आप एक इनकम जनरेट अपनी लाइफ में कर सकते हो. इफ़ देयर पीपल हु आर ऑलरेडी हीलर, ऑलरेडी कोच, ऑलरेडी इन टू एनी काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी, उनके लिए इट्स अ बूम. कोई लाइफ कोच है वो अगर सीखते हैं, तो आप सोचिए कि क्लाइंट आया है, बिफोर दैट पर्सन कैन से कि मेरे साथ रियल प्रॉब्लम क्या है, उनकी हैंडराइटिंग है आपके सामने, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि व्हाट इज दिस पर्सन अप टू, कि इसके रियल प्रॉब्लम्स क्या है. क्योंकि एक तो रियल प्रॉब्लम्स होंगे, एक जो वो पर्सन आपको बताएगा, तो आपको रियल चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में पता लग जाएगी. अगर वो कुछ हाइड भी कर रहा होगा तो आपको उनकी राइटिंग से पता होगा कि ये एक वो है. एंड ऑल्सो देयर इज, आगे आप अगर सीखना चाहो तो देयर इज ब्यूटिफुल थिंग कॉल हिप्नोटिक ग्राफोथेरेपी, जहाँ पे आप किसी को हिप्नोटाइज करके भी लिखवा सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई डू वेयर ओनली फॉर माई प्रीमियम क्लाइंट्स, जहाँ पे आई हिप्नोटाइज देम एंड आई मेक देम राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिलीजिंग थिंग्स. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग ग्रेफोलॉजी में जब करियर बनाते हैं, इट्स वेरी कॉन्क्रीट. और मुझे लगता है
मैंने जब ये डिसीजन लिया था तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता था कि एक पूरा करियर बन सकता है, बट आज की जो अपॉर्चुनिटीज है डेफिनेटली देयर इज अ रेडीमेड करियर फॉर एवरीवन. सिर्फ किसी को अगर इसमें भी करियर बनाना है बहुत ईजिली वो अपना लाइवलीहुड क्या बहुत लैविशली वो अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं. मैं देख सकता हूँ मैम, अभी जब हम बाहर बैठे डिस्कस कर रही चीज़ तो मैंने देखा आपके पास इतनी कॉल्स आ रही है एंड इवन इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है आपके पास. जी जी, सो दैट्स ओनली बिकॉज आई हैव लर्न द स्किल समटाइम बैक. और ये स्किल एक ऐसी जो आप अगर प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहते हो, इमेजिन अगर आपको ये स्किल आती है, कल को आप किसी को हायर कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस चीज़ में मैं आने वाला था कि लाइक मैं अभी ना मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं, 8-9 लोग हैं एंड आई एम गोइंग टू हायर मोर पीपल, मोर एडिटर्स, मोर क्रिएटिव पीपल्स. तो आपकी हेल्प मैं ज़रूर लेने वाला हूँ कि पहले उनकी हैंडराइटिंग आपके पास भिजवाऊंगा एंड आप मुझे बताना है कि किसको मुझे रखना चाहिए किसको नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. और आप खुद भी इस चीज़ सीखें और यू नो अपनी लाइफ में देखना कि आप लाइक आई से दिस नो व्हेन यू गोइंग टू डेट समवन, अभी क्यों उसके साथ इतना इमोशनली इन्वेस्ट करना है, पहले राइटिंग मंगवा लो, पता लग जाएगा कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, कमिटमेंट देगी कि नहीं देगी, तो आप उसके बाद जाके अपनी पूरी वो यू नो इमोशनली इन्वेस्ट विद दैट पर्सन. सो मैम, बहुत कुछ आपने बताया, ये टोटली एक नई फील्ड थी मेरे लिए, आई होप मेरी ऑडियंस के लिए भी. लोगों को नहीं पता है, लोगों को पता ही नहीं, कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी हैंडराइटिंग में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हमारे बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ गोल्स के बारे में, हमारी पास्ट लाइफ के बारे में, हमारे पार्टनर के बारे में. तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आपका जो YouTube चैनल है उस पर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे देखें. आप डेली ही कुछ ना कुछ नया बताते हो, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है ताकि वो अपने डेली लाइफ को चेंज कर सकें. जो दिव्यदीप मैम हैं, इनकी सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इनका YouTube चैनल, इनका Instagram, इनकी वेबसाइट. और अगर आप हैंडराइटिंग एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो मैम के कोर्सेज है काफ़ी, आप वो बाय कर सकते हैं, मैम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड मैम आई एम प्रीटी श्योर कि इस फील्ड में बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ये फील्ड बहुत ज़्यादा और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं लोग, और आगे चल के हमें अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे, हम अपने सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे. आई होप कि ये जो भी हमारा कन्वर्सेशन है, ये पॉडकास्ट, सभी ने इन्जॉय किया होगा. मैंने तो मैम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है एंड मैम आई एम रियली सॉरी कि हमें यहाँ पॉडकास्ट में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई स्टिल नीड टू इंक्वायर अबाउट. मैं जानना चाहता हूँ बहुत कुछ, बट हम दोबारा से मिलेंगे, एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे, कमेंट्स में जो क्वेश्चन होंगे, लोगों के जो फीडबैक्स होंगे उनके ऊपर बात करेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बींग ऑन द सेट ऑफ द यंग पॉडकास्ट, वी होप टू मीट यू अगेन मैम. First of all, thank you so much, Vikas. You have been an incredible host and the team is really good. आपने बहुत comfortable feel कराया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि कई बार आपका खुद का perspective होता है, पर जब मैंने आपसे भी सुना कि अच्छा लोगों का perspective ये है, तो मुझे answer करने में भी उतना ही मज़ा आया जितना आपको सवाल पूछने में आया है. So thank you so much and looking forward to have more podcasts with you and all the best. You're doing great job. Thank you. Thank you so much, man. Hey, what else?